तो चांद तारा की क्या कहानी है जब मैं चौधरी एंड सन्स लिख रही थी तो उसमें आपने देखा होगा कि परी के पास दो वो थे परिंदे थे परिंदे थे उसके जी, जी, पास जी, दो मुझे याद आ गया तो उसको वो, उसको वो चांद और तारा उसने तो कहा ना तो मेरे में एक okay. क्लिक किया कि मुझे एक सीरियल जो है वो इस टाइप का लिखना चाहिए आपकी फैमिली है आपने बच्चे पैदा करने हैं आपने उनको संभालना है तो लोगों को क्या इशू है तो मैं उसको भी थोड़ा वो करना चाह रही थी एक नॉर्मल चीज है गोल्स हैं जो कि कपल्स गोल्स से डिफरेंट हैं कहती है अभी इसका थोड़ा

जो चैनल्स है या जो लोग बैठे उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे खुदा के लिए चाचा ड्रामे मत बनाए। एक चीज़, चीज़ बना बना रमजान ड्रामास hey हर साल uh, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं उनको देखने के लिए इस साल भी हैं। और चार ड्रामे हैं चांद तारा उन सब ड्रामों में से हमें हंसा भी रहे हैं और बहुत से मैसेजेस भी दे रहे हैं इस वक्त मेरे साथ हैं हम सबकी फेवरेट राइटर साइमा अक्रम चौधरी तो मैंने कहा यार हर साल उनसे बात करते हैं इस बार भी चांद तारा के बारे में और कुछ जनरली भी बात की जाए और वो कह रही हैं वो अब कुछ ब्रेक लेने वाली हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आई वॉन्ट टू आस क्यों भाई ब्रेक क्यों ले रही हैं कि अगले साल हम आपका ड्रामा नहीं देखेंगे तो आइए मिलते हैं साइमा से असल असल रहा मेरी हैट्रिक हो गई दफा आपके साथ <laughs> जब रमजान <आता> है तभी <laughs> मैं घर से बाहर निकलती हूँ <laughs> इंटरव्यू के लिए hmm. क्योंकि पूरे साल में एक ही सीरियल होता है hmm. सही कह रही कहे जब आप इंटरव्यू तब मैंने भी आप सीखा hmm. कि बस आपसे रमजान के रमजान मुलाकात होती है वैसे भी रखना चाहिए आप खुद भी इतनी बिजी होती हैं टीच भी करती हैं माशाल्लाह मैं कॉलेज में पढ़ाती हूं मुझे तो पता नहीं आप मैनेज कैसे करती हैं टीचिंग एंड राइटिंग काफी बस चल रहा है सिलसिला जो है जब तक चलेगा तो इंशाल्लाह चलाएंगे ओके

और लेकिन अभी हालात या सिचुएशन क्या होती हैं ये मैं कुछ नहीं कह सकती। सकतीस of course, of course. हाँ। हो सकता है लिख लूँ, हो सकता है ना लिखूँ लेकिन मैं अब ये सात है। है। सीरियल्स मैं दे चुकी हूँ उसके बाद फिर चुपके चुपके इश्क जलेबी चौधरी एंड सन हम तुम और अब ये तो सेवन जो है ना

जिससे मैंने स्टार्ट किया था एक बहुत जहन में लेकर मैं आई थी और मैं बड़ी फ़ैन हूँ हसीना मोइन की तो उसके साथ स्टार्ट किया लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा जो है ना मुझे लगता है कि रमज़ान सीरियल जिस नहज पे आ चुका है तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेनी चाहिए इसके लिए ना आज अफसोस होता है आपको देखिए थोड़ा सा हाँ मुझे थोड़ा अफसोस होता है क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों ने लाइट मूड को और कॉमेडी और सिट कॉम एक ही उसको बना दिया है उसमें बड़ी एक थिनर सी लाइन होती हुँ। है हुँ। उसको समझने की ज़रूरत है और हमें ये लगता है कि शायद बहुत लाउड जो है स्क्रिप्ट होगा लड़की जो है वो बड़ी चीख के बोल रही होगी और ओवर एक्टिंग कर रहे होंगे ये शायद जो है इसको कहते हैं लाइट मूड तो लाइट मूड आई एम सो सॉरी ऐसा नहीं होता तो मैं मुझे ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ा इरीटेट कर रही हैं तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा लोग अपनी चीज़ें दिखा दें उसके बाद थोड़ा मैं ब्रेक लेकर आऊँगी वापस सही बात है आई थिंक एज अ राइटर ये आपके कैरेक्टर्स कैरेक्टर जो आपने डेवलप किए हुए हैं तो जो आपने खुद लिखा उसको अगर उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाए या आसपास उसकी वजह से डिफरेंट चीज़ें तो आपको दुख मुझे लगता है पहुँचा डेफिनेटली आप बहुत अफेक्टेड होंगे कि यार ये क्या हो गया और आपके बारे में तो मैं मेरा सवाल भी और मैं कहती हूँ कि और मैंने जितनी बार भी अभी रिव्यू किए मैंने कहा ये चांद तारा जो है ना वो सिग्नेचर साममा अक्रम चौधरी का स्टाइल है बिकॉज तो आपके ड्रामों में मैसेजेस होते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से आप लाइट हार्टेड तरीके से कोई ना कोई टॉपिक उठा के आप एक मैसेज देती हैं सुनो चंदा से हो रही है अभी नहीं है बिल्कुल ऐसे तो मैं समझ सकती हूँ कि आप जैसे इंसान को कुछ किसी ना किसी लेवल पर थोड़ी सी डिसटिस्फेक्शन होती होगी तो बट आपको क्या लगता है अगर मैं देखूं आपके साथ ड्रामे इस इंडस्ट्री से आप बहुत अरसे से मुंसलिक हैं hmm. क्या गलत हो गया है और इस साल ड्रामों में वो व्यूज भी नहीं आ रहे hmm. जो हम हर hmm. साल देखते हैं hmm. और हम एक्साइटेड थे कि चार hmm. ड्रामे क्या चीज़ स्लिप हुई है हमसे मुझे लगता है कि राबिया की चार ड्रामास की ज़रूरत ही नहीं थी ओके okay. आप, आप यूँ लगता है जैसे रमज़ान आता है तो कोई सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है hmm. आ, एक तो सॉरी टू से जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं या चैनल्स हैं उसकी प्रमोशन इस तरह से कर रहे हैं कि ऐसे लगता है कि रमज़ान जो है ना अब यही इस काम के लिए रह गया है वो वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा हम उसमें एग्जेजरेट कर गए उन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए था फोकस उन चीज़ों फोकस पे ज़्यादा उन चीज़ों पे ज़्यादा हो गया है हमें ये लगता है कि जो रमज़ान है उसमें लाइट मूड से मुराद यही है कि हम कोई भी ऐसा टॉपिक उठाएं और उसको थोड़ा एक्जेजरेट कर दें ठीक है कॉमेडी में या लाइट मूड में हम थोड़ा चीज़ों को करते हैं लेकिन इस हद तक करें कि लोग उसको बर्दाश्त कर लें आपने देखा होगा कि जैसे ये सीरील्स चाहिए वो स्टार्ट हुए हैं इनकी प्रमोशन स्टार्ट हुई है तो एक बड़ा लोगों की तरफ से एक बड़ा वो है लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अगर करना ज़रूरी है रमज़ान जो है तो फिर हम एक एक स्पेशल एक संजीदा से टॉपिक के साथ जो है उसको साथ लेके चलें एक स्ट्रांग प्लॉट हो एक स्टोरी हो एक एक उसका मकसद हो उस स्टोरी का ये ना हो कि बस हमने बस बनाना है बना के हमने इसको छोड़ दिया ऑडियंस के ऊपर वो बेचारे इसको बर्दाश्त करें बिल्कुल। जैसे भी है तो ये चीजें थोड़ी सी है ना वो वो मेरे मेरे लिए लिए बड़ा वो रही थी। लास्ट भी थोड़ा सा मेरे लिए था मैं मैंने शायद आपको जिक्र किया होगा कि मुझे लग रहा था कि मेरी कुछ चीजें लाउड हो गई हैं वो नहीं होनी चाहिए ओके okay. और, था। था okay. और मैंने बाकायदा अपने प्रोड्यूसर से अपना एहतजा रिकॉर्ड करवाया था कि ये चीजें ये जुगते हैं ये बातें नहीं लिखी ये सेट पे क्यों जो है एक्ट्रेस जो है वो बोल रहे हैं वो क्यों स्क्रिप्ट को छोड़ देते हैं असल में चीज़ उस वक्त ख़राब होती है राबिया जब एज अ राइटर मेरे डोमेन में कोई और घुसने की कोशिश करेगा या मैं किसी और के डोमेन में जाऊँगी जब आप एक राइटर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जब आप उस वो स्क्रिप्ट लिख रहा है तो आप उसके ऊपर रहें ना एक एक्टर जो है वो अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा लेना चाहता है या वो अपने आप को ज़्यादा दिखाना चाहता है प्रोमिनेंट करके तो उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो मेरे जो है स्क्रिप्ट के साथ वो जुगाड़ करे वो कुछ उसके अंदर चीज़ें लगाए उसका तो वो चीज़ें बड़ा मुझे डिसाइड कर रही थी लास्ट ईयर से कर रही थी फिर इस साल भी जो है थोड़ा मैं और ज़्यादा वो हो गई तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेनी चाहिए और एक दोबारा से जिस तरह से मैंने सुनो चंदा लिखा था जिस तरह से मैंने हम तुम लिखा इश्क जलेबी मेरा फेवरेट जो है उस तरह की मैं कोई चीज़ जो है वो लेकर आऊँ लेकिन उस सूरत में लेकर आऊँ जब मुझे प्रोडक्शन हाउस मुझे प्रोड्यूसर इस बात पर यकीन दिलाएगा कि जो कैरेक्टर्स मेरे दिमाग के अंदर हैं वही कैरेक्टर्स जो होंगे वो उसके ऊपर आएंगे उस उसमें थोड़ा बहुत आपका हो जाता है आप मार्जिन रख लेते हैं लेकिन ऐसा तो ना हो कि एक बिल्कुल दिमाग में आपके कुछ और है आप देखे आ, कुछ और आप देखे कुछ और और आपके कैरेक्टर्स जो होते हैं जब आप उनको किल होता हुआ देखते हैं स्क्रीन पे तो बड़ा अफसोस होता है बड़ा बड़ा दुख वाला होता है मैं बाज़त सीन्स आगे कर देती हूँ बाज़ बंद कर देती हूँ कि ये चीज़ मेरे जहन में नहीं है और इसका एक और जो है जो मुझे लगता है कि इसकी बड़ी वजह ये है कि कम्युनिकेशन गैप है जो एक डायरेक्टर और एक राइटर के दरम्यान में में है या एक कंटेंट की जो टीम है उनके दरम्याण में है हम थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम आ, थोड़ा एग्सटिक हो जाते हैं इस मामले में हमें लगता है कि ये वन मैन शो है बस एक चीज़ राइटर ने दे दी है उसका ख़त्म हो गया उसके ऊपर से राइट ऐसा नहीं है तो वो जब आपके दोनों का डायरेक्टर और राइटर का जो कम्युनिकेशन गैप जो होता है उसको भगतना पड़ता है फिर वीवर्स को स्क्रीन के ऊपर तो वो कैरेक्टर्स वैसे बन के नहीं आते क्योंकि बाज़ ओकात ये होता है कि जब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना आप चीजों को थोड़ा डिस्कस करके लिखते हैं तो एक अच्छी चीज सामने आती है।, है और उसके रिजल्ट सामने आ रहे होते हैं आपको बड़ी अच्छी केमिस्ट्री नजर आ रही होती है स्क्रीन पर और बाजों तो हमें खुद धचका लग रहा होता है कि हैं ये 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 तो मैंने ऐसे नहीं लिखा था तो ये क्यों इस तरह से हो रहा है तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो जो मुझे लगता है कि उस वजह से मुझे थोड़ा अपना एक एंड आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं अगर आप ओवर द ईयर्स देखें भी तो किस तरह व्यूज़ नीचे जा रहे हैं जो सोनो चंदा का क्रेज़ था या इस जलेबी का क्रेज़ था उससे लेके इस साल आप देखें अगर हम ये बोल भी दे कि हम क्रिटिकल हो रहे हैं या आप सही बात तो व्यूज देख लेना जाके जो रिस्पांस आपको आ रहा है मुझे याद है पिछले साल तक हम तो बहुत ट्रेंड कर रहा होता बिल्कुल था बिल्कुल ऐसा ही है बट चांद तारा इस साल सैडली उस तरीके से नहीं ट्रेंड कर रहा जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि हुँ। वो ट्रेंड करे तो। कास्टिंग में आप लोग कितना इन्वॉल्व होते हैं आपका ख्याल है कि क्योंकि इस बार जहाँ हम रमज़ान ड्रामा की स्टोरी पे बात करें कास्टिंग में भी मुझे लगता है कि सोचना चाहिए रमज़ान ड्रामा में किसको कैसे कास्ट करें कुछ फ्रेश पेयर्स भी हमें नज़र आ, आ, आ रहे हैं फ्रेश फेसेस भी नज़र आ रहे हैं कुछ हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही बट कुछ हम सोच रहे हैं कि शायद नहीं।, नहीं होनी चाहिए अब आप, आपका ख्याल है राइटर को इन्वॉल्व होना चाहिए कास्टिंग बिल्कुल होना चाहिए मेरी बात सुन राटर चाह है जिसमें मैंने मैंने उसको तख्लीक किया है तो क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि आपके में किसका चेहरा आता है so, कह रही हैं कि फाइनल डिसीजन आपका नहीं हो, लेकिन आपको इन्वॉल्व होना, होना चाहिए इन्वॉल्व होना चाहिए देखिए मैं मैं मानती हूँ उस चीज को कि कास्टिंग में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं आपके जहन में कुछ कोई होता है लेकिन आपकी बात नहीं बन पाती वर्ड ना उसकी लेकिन उसको इतना डिफरेंट ना करते हैं कि मेरे लिए खुद आगे एपिसोड्स को कैरी करना मुश्किल हो जाए देखे जब मैं लिख रही होती हूँ ना मुझे दरम्यान में ही पता चल जाता है कि कौन कास्ट हो गया है और आपको मैं एक एज ए एक बात बताती हूँ कि जब कैरेक्टर्स गा, जो होते हैं उनकी हो जाती है एक्ट्रेस की सेलेक्शन हो जाती है मुझे पता होता है कि ये बंदा चाहिए कर, परफॉर्म करेगा तो उसका फेस जब मैं लिख रही होती हूँ जुमला मुझे उसको सोच के आता है सही बात है। अब, अब जैसे जैसे जानता आ रहा था मुझे पता चल गया था दरमियान में कि इसको ऐसा करेगी तो ऐसा को सोच के मैं लिखती थी बाज ओकात ये भी होता है कि कुछ ऐसे एक्ट्रेस होते हैं उनके बारे में आपको कहा जाता है कि ये फल करेंगी और यकीन माने इसके बाद एक जुमला नहीं आ रहा होता आपको आप इतनी मुश्किल से लिखते हैं मेरे एक सीरियल के साथ इस तरह से हुआ गया कि मैं हाथ जोड़ती थी कि भाई मुझे उनको सोच के कुछ नहीं आता वो इतना मुझे तो आपको थोड़ा सा इनको जो है राइटर्स की बात सुन लेनी चाहिए अच्छा मैं आपकी बात को इस तरह भी समझ पा रही हूँ क्योंकि जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो आप ये कैरेक्टर्स बना रही हैं और बहुत प्यार से मोहब्बत से दिल से बना रही हैं आप आपने उनकी एक एक क्वालिटी उनका एक एक कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट किया है तो कोर्स आपकी बड़ी अटैचमेंट है बिल्कुल और एक कभी कभी जैसे आप कह रही है, हैं हो सकता है आपने किसी एक खास एक्टर को जहन में रख के मैं ये बोल रही हूँ तो वो ऐसे डिलीवर करेंगे तो ये मेरा बिल्कुल सही जमला जाएगा तो फिर जब वो लोग नहीं आते और कोई और आता है तो मुश्किल होती है आपको आगे लिखना या उस तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करना सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट ओरिजिनली आपने किसको सोच के लिखा था अगर मैं पूछूँ अगर आप बताना चाहें तो आई तारा जो था वो क्योंकि मुझे बहुत अर्ली स्टेज पर पता चल गया था कि इसको आयिजा करेंगी तो फिर आयजा का ही मेरे जिंद में आ रहा okay. था और थोड़ा सा मुझे ये था कि आयजा ने चूंकि एक मीनू का कैरेक्टर किया था तो hmm. ये थोड़ा डिफरेंट था डिफरेंट okay. है हाँ, से तो हाँ. तो वो बहुत अच्छा कर लेंगी और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आयजा की मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि वो अपने कैरेक्टर पर बहुत मेहनत करती है hmm. वो आ, वो राइटर के साथ जो इंटरेस्ट रहती है वो पूछती हैं कि ये आपने क्या सोचा था क्या सोच के इसको लिखा था वो अपने कैरेक्टर को बिल्कुल डिस्कस करती हैं अपनी अपनी ड्रेसिंग को जो है वो डिस्कस करती हैं वो इस मामले में मैंने देखा वो बहुत प्रोफेशनल है ओके उसके अलावा जो है बहुत कम में मैंने लोग देखे हैं कि जो कि अपने कैरेक्टर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद अकाब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि बाज़ दफा हम कुछ और सोच रहे होते हैं लेकिन प्रोडक्शन हाउस आपके सामने किसी और को ला के खड़ा कर देता है और वो बंदा इतनी मेहनत करता है अपने कैरेक्टर के ऊपर कि हमें खुद अफसोस होता है कि यार ये मैंने जो क्यों है गलत, सोचा हाँ, था? हाँ क्यों सोचा हाँ, था जैसे चुपके चुपके की मीनो आयजा का जब उस टाइम पे मुझे पता चला था मैंने बहुत शोर मचाया था कि आयज़ा नहीं कर सकती ये कैसे नहीं। नहीं। करेगी वो तो आ, मेरे पास तुम हो उन्होंने भी रि, रिसेंटली उस टाइम पे किया था तो वो नहीं कर सकती मैं काफ़ी ज़्यादा एहतजाज करती रही लेकिन आयजा ने मुझे गलत साबित किया कि ये नहीं, नहीं।, नहीं। तो फिर थोड़ा मुझे मैं सोचूं अब आप एक जगह ये भी कह रही हैं कि आप लोगों का इनपुट होना चाहिए दूसरी जगह आप ये भी कह रही हैं कि आप गलत भी साबित तो फिर मिडल वे किधर हो सकता है टेबल पे बैठे हैं सब लोग फिर डिसाइड मुझे ये लगता है कि जब, जब कास्टिंग डिसाइड हो रही हो जब कास्टिंग हो जाती है तो आपको कम से कम एक दफा एक्ट्रेस के साथ जो है ना एक आ, okay, एक मीटिंग होनी चाहिए राइटर हो के साथ बिल्कुल okay, वो अभी नहीं होती बिल्कुल भी नहीं नहीं ना वो कभी भी नहीं होती, okay. होती। okay. हाँ आई थिंक वो गैप uh, भी कम हो जाएगा कम्युनिकेशन hmm. भी होगी आपको भी ज्यादा बेहतर फील आएगी एंड यू कैन राइट जैसे आप कह रही है ना कि वो राइटिंग ब्लॉक नहीं आएगा क्योंकि आप मिल चुकी हैं वो भी आपसे मिल चुके हैं कुछ फीडबैक भी आ रही होगी बास अकात ये होता है कि देखिए जैसे अब एक चीज जो है मैंने मैंने तो कॉन्टेंट डिपार्टमेंट को दे दी थी कॉन्टेंट वालों ने आगे डिलीवर की डायरेक्टर को डायरेक्टर ने आगे डिलीवर किया आक्टर उसको एक्ट्रेस को तो वो थोड़ा सा बीच में भी चीजें हो जाती, जाती है हाँ। हाँ। और जब आपसे मिल लेंगी तो थोड़ी बात क्लियर हो सकती है अब बहुत अच्छा रहता है मैं एहसन दालिश साहब जो हैं जब मैं सोनो चंदा कह रही थी मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है फरहान सईद मुझे कॉल्स करते थे वो अपने कैरेक्टर को समझते थे एहसन भाई जो हैं वो मुझे फोन करके पूछते थे कि आपा इसको किस तरह से जो है आप क्या सोच रही हैं तो हालांकि उन्होंने खुद उनका जो था उसमें बहुत ज्यादा इनपुट था एसन भाई का सोना चंदा के अंदर और बड़ी लेकिन वो उन्होंने कभी इस चीज़ को अपनी आना का मसला नहीं बनाया था हालांकि उस टाइम पे मेरा कोई इतना नाम नहीं था सुनो चंदा की दफ़ा कि वो ये भी कह सकते थे कि ये कोई बहुत बड़ी नॉन राइटर तो नहीं है मैं क्यों उससे पूछूँ लेकिन वो पूछते थे और बड़ा अच्छा उसका आपको देख आप देखते हैं स्क्रीन पर रट्स आते हैं फिर चुपके चुपके की दफ़ा भी ये था कि कुछ जैसे ओबी जो था ओबी ने किया था कॉन्टेक्ट किया था उस्मान खारिद भट्ट ने उसने अपने कैरेक्टर को समझा था कॉल करते थे आपको हाँ वो कॉल करते थे कॉल करके पूरा उन्होंने अपना कैरेक्टर जो है वो उसको समझा, समझा था डिस्कस करते था। थे, थे आपसे अच्छा आपकी जो कैरेक्टर्स के नाम होते हैं मुझे पता है उसके पीछे कोई कहानी होती है आपने सोच के लिखा होता है तो चांद तारा की क्या कहानी है चांद और तारा क्यों है इस बार चांद और तारा इसलिए है कि जब मैं चौधरी एंड सन्स लिख रही थी तो उसमें आपने देखा होगा कि परी के पास दो वो थे आ, हाँ परिंदे थे परिंदे थे जी, उसके जी, पास जी, तो मुझे याद आ गया तो उसको वो उसको वो चांद और तारा उसने हाँ। उसका नाम रखा हुआ था तो वो जब चाँद और तारा उसने कहा ना तो मेरे जहन में फ़ौरन एक okay. क्लिक किया कि मुझे एक सीरियल जो है वो इस टाइप का लिखना चाहिए जिसका नाम चांद ताराओ और जो है बस ये सोच के वो किया था उसके बाद फिर थोड़ी वर्किंग की कि किस तरह से लिखना है तारा के साथ क्या नाम मैच हो सकता है तो वो नैन तारा था चांद जो था वो पहले इसका नाम होनीत था लेकिन okay. वो उनको प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो उन्होंने फिर इसको चेंज करके सारे कर दिया तो ये इस तरह से करके जो है वो नाम इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मुझे इतना मज़ा आता है जब मैं कहानियों ये ड्रामों के पीछे जो बैक पे आप लोगों की सारी थिंकिंग होती है सुनती हूँ ना आई गेट रियली फैसिनेटेड अच्छा मुझे ये बताएँ जो तारा का वो है ना जो वो कहती है कि सिग्नेचर स्टाइल में तो हमेशा आप कुछ ना कुछ रखती हैं अपने ड्रामों में और मैं कह भी रही थी पता नहीं ऑफ कैमरा बोला ऑन कैमरा भी बोला है कि आपका भी एक सिग्नेचर स्टाइल है रमज़ान ड्रामों का तो ये क्या ये लाइन आपने अपने आप से इंस्पायर होकर लिखी है <laughs> नहीं मैं, मैं अपनी मैं थी नहीं थी नहीं 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 आप फेवरेट <laughs> मैं वो बात नहीं करी। में ना, मैं अपनी अपने तो ड्रामे लिखने का बिल्कुल तो मतलब मुझे आपका ख्याल आ रहा था मैं आपको बताऊं जैसे सिग्नेचर स्टाइल की आप बात कर रही है तो जिनके साथ मैंने काम किया है सायरा गुलाम नबी हैं या शहजाद जावेद हैं वो कहते हैं कि दस या बीस स्क्रिप्ट पढ़े होंगे ना उसके ऊपर नाम नहीं लिखा होगा तो हम उसमें से एक निकाल के बता देंगे ये सामक है सही बात तो है मेरा एक स्टाइल है राइटिंग का जो है मैं जो मैं लिखती हूँ आप भी मेरा स्क्रिप्ट उठा के देखेंगे तो मैंने कभी उसके अंदर आपको इमला की गलतियां नजर नहीं आएंगी okay. उसके अंदर एक प्रॉपर जुमला जो होगा जिसके एंड पे फुल स्टॉप लगा हुआ होगा क्योंकि मैं एक उर्दू की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ wow. तो मैं इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकती <laughs> आपको बड़ा वो एक मजे वाला जो स्क्रिप्ट होगा हो ना वो आपको नजर आएगा उसके अंदर okay. जो है okay. तो ये वो मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल है फिर राइटिंग में थोड़ा मेरा जो है मैं मुझे बहुत ज्यादा जो डार्क जो टॉपिक्स होते हैं वो लिखना पसंद टॉपिक अच्छा okay. हाँ। है, okay. है।, है, है कोई इशू है उसको आप लाइटर वे में कह देंगे ना तो वो बहुत ज्यादा आपको बोझल नहीं लगेगा सुनने वाले को तो मेरा वो वाला स्टाइल है कि मैं उसको कैरी करना चाहती हूँ अब आगे देखते हैं क्या होता है नहीं आप सही कहिए ये बड़ा आई एम सो ग्लैड कि आप डिस्टिंग्विश कर रही हैं लाइट हार्टेड ड्रामे और कॉमेडी सिटकॉम्स में बिल्कुल आप mm -hmm. बहुत क्लियरली बिकॉज मुझे लगता है शायद ये एजुकेशन ही नहीं है हम लोग को ये समझ ही नहीं है एज ऑडियंसिस भी और कॉन्टेंट क्रिएशन पर तो मैं नहीं बोलूँगी अभी बट एज ऑडियंसिस भी शायद हम लोग को समझ नहीं है और आपने ये बात बोली है तो मैंने ये पिक किया अच्छा आपके ड्रामे में बहुत से मैसेजेस हैं mm -hmm. तो हमेशा होते हैं इस mm -hmm. बार भी बहुत क्लियर हैं mm -hmm. तो ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है जॉइंट फैमिली का ये चैनल की तरफ से आपको आया कि इस पे लिखना चाहिए या ये आपका अपना आइडिया था क्या इंस्पायर किया क्या इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपने सोचा कि ये मेरा मेन टॉपिक होगा अच्छा मैं आपको बताऊँ कि सवाइस के कि सुनो चंदा जो कि मेरा फर्स्ट ड्रामा था उसमें शहजाद जावेद ने मुझे कहा था कि एक लाइटर मूड का ड्रामा लिखना चाहते हैं उसके बाद मुझे हर तरफ से फ्री हैंड मिला है ओके okay. जितने टॉपिक्स थे मेरे पिछले ड्रामास के थे चाहे वो वो है चाहे चौधरी एंड एंडसानस है जो भी है वो सारे मेरी अपनी सिलेक्शन थे तो मैं थोड़ा चूंकि मैंने हम तुम लिखा था और हम तुम में एक जो है न्यूक्लियर वो थी फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली नहीं थी तो मैं मुझे ये लगता है कि जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं जो हमारा एक ईस्टर्न कल्चर है उसको आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ा अच्छा वो दिखा सकते हैं और जो लाइटर मूड के जो जुमले होते हैं वो फैमिली में से निकलते हैं तो ये मैंने दानिश्ता एक मेरी एफर्ट थी कि मैं दिखाना चाहती थी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये पॉजिटिव चीज़ें है ये इसके नेगेटिव हैं मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही कि आप इसको ज़रूर अडॉप्ट करें जॉइंट फैमिली सिस्टम को नॉट एट ऑल वो उनकी अपनी एक पर्सनल चॉइस है लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये हमारे जो रिलेशन हैं उनकी ये ब्यूटी है कि जब आप मिल के रहते हैं तो उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या आपके लिए जो होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे चाँद साहब हैं उनको प्राइवेसी नहीं मिल रही उसको ये लगता है कि उसका सबसे तो बड़ा मसला जो है हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है, सही बात है। तो वो नहीं मिल रही होती अगर इन चीजों को हम थोड़ा एड्रेस कर लें लोग इसको समझ लें तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक खूबसूरत सिस्टम है हमारा जो है इसलिए बड़ी अच्छी बात बोली है कि उसके अच्छिया अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं और आप ये नहीं कह रही कि ना हो या हो आप कह रही हैं उसके चैलेंजेस को समझ के अगर हम उसको चेंज कर सकें ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है लेकिन व्हाई दिस स्पेसिफिक कोई हुआ कुछ हुआ मतलब ये आइडिया कैसे आया इस साल ये क्यों सोचा कि मैं इस टॉपिक पे बात हाँ, ये, भी ये बड़े, मैं जा, मैं जानना ये बड़ी मजे की बात है क्योंकि मुझे ये पता है कि आप ऐसे नहीं लिख रही होंगी कुछ ना कुछ तो आपको कहीं से इंस्पिरेशन हुई होगी या कुछ हुआ होगा जिसपे आपने सोचा होगा कि मैं ये लिखूँ असल में रबिया मेरा सबसे बड़ा इशू जो है ना मैं अपने डॉमो की सबसे बड़ी जो है ना मैं कहती हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा इशू बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मेरी अपनी ज़ात है मेरे okay. अपने लिखे हुए काम है okay. लोग मेरी पुरानी चीज़ों से निकलते नहीं हैं और मेरी अगली जो चीज़ें होती हैं उसको बड़ी मुश्किल से वो डाइजेस्ट करते हैं okay. और हर दफ़ा ये होता है कि जब मैं कोई एक नया सीरियल लेकर आती हूँ तो मुझे अजीब सा एक क्रिटिसज़म मिलता है जैसे आजकल भी मिल रहा है कि ये सुनो चंदा जैसा तो नहीं है ये हम तुम जैसा तो नहीं है ये चुपके चुपके जैसा तो नहीं है तो जब मैंने हम तुम लिखा था तो उस वक्त तो मेरे पर ये इल्ज़ाम था कि ये बहुत बड़ी बड़ी फ़ैमिलीज़ की ड्रामास लिखती हैं और इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो अमूमन यही होता है कि पहले आपस में झगड़ा चल रहा होता है लड़के और लड़की का उसके बाद वो एक स्टेज आ जाती है जिसमें वो एक लव वाले इसमें चले जाते, जाते हैं फिर उसके बाद उनकी जब हमें मज़ा आने लगता है उनकी रोमांस में तो ड्रामा ख़त्म हो जाता है तो मैंने इस दफ़ा ये सोचा कि हर दफ़ा जब ये मेरे ऊपर होती है चीज़ तो मैं थोड़ा इस दफ़ा ये करती हूँ कि वो दोनों जो हैं शुरू से शुरू से ही हैं तो वो जो है आप तो मैंने ये सोचा कि इस दफ़ा मैं थोड़ा इस तरह से करके देख दिखाती हूँ कज़न्स नहीं रखती और जो हमेशा ही होता है मेरे ऊपर कि ये कज़न्स के साथ वो कर रही होती हैं दानिस्त एक एफर्ट करके वो चीज़ें आप, आप सॉरी मैं आप काट रही हूँ आप इतनी क्यूट है मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि आप कह रही है कि सब लोगों ने यही यही कहा तो मैंने कहा कि ठीक है मैं इस बार आप लोगों को डिफरेंट चीजें दूंगी <laughs> मैं कजन नहीं दूंगी मैं आपको पहले से लड़ाई झगड़ा नहीं दूंगी मैं मोहब्बत दे रही दूँ ये ले ये रोमांस दिया है मैंने आपको लेकिन मैं मुझे इस ड्रामे के बाद थोड़ा आइडिया ये हुआ है कि राबा आप जो कुछ मर्जी कर लें हमारी आवाम खुश नहीं हो सकती हमारी पब्लिक जो है ना वो खुश नहीं हो सकती आप ये थोड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि जनाब ये क्या हुआ जी पहले से मोहब्बत कर रहे हैं ये तो उनकी कोई लड़ाई झगड़ाई नहीं हुआ कोई वो मज़े का था हम तुम में सुनो चंदा में मज़े का था अगर मैं वैसा लिखती तो फिर मेरे ऊपर ये था कि ले जी कालाडोरी में भी यही हुआ सुनो चंदा में भी यही हुआ हम तुम में भी यही हुआ अब ये चां तारा में भी यही हुआ इनको यही लिखना आता है <laughs> और बाबा जब मैंने इसको चेंज कर दिया है तो खुदा के लिए इसको हजम तो करो इतनी क्यूट यकीन करें मुझे आयजा कहती हैं कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और वो जो उसके अंदर एक क्यूट मोमेंट्स हैं एक हस्बैंड एंड वाइफ के मैं उसको बड़ा एंजॉय करती हूँ बड़ा खुल के आपने रात वाले उसमें देखा होगा कि जिसमें वो अटेंड कर रही होती है कि मेरे हाथ चल गए और उसका हस्बैंड जिसको लिपस्टिक लगा रहा है उसके बाल बैन बहुत क्यूट सीन था वो उसको वो उसको लिखते हुए मुझे मजा आ रहा था तो जब आप इस तरह की चीजें जो है ना थोड़ा डिफरेंट करते हैं तो फिर आपकी जो ऑडियंस है और मैंने ये देखा हुआ है कि पहली पांच एपिसोड्स जो जिस भी ड्रामे की मेरी ऑनर होती हैं उस उसमें मुझे ऊपर बड़ी वो हो रहा था क्रिटिसाइज हो रहा है दस एपिसोड्स के बाद जाके थोड़ा लोगों का एक वो मुझे कर लेते हैं कबूल कर, कर लेते कर हैं, लेते हैं। हाँ। उसके बाद फिर दस के बाद जो है उनको फिर मेरे कैरेक्टर्स के साथ प्यार होना शुरू हो जाता है तो पंद्रह के बाद फिर जो ट्वेंटी एट तक होता है तो वो उस स्टोरी के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे अब जाके अब थोड़ा वो कम हो गया है कि अब मुझे वैसा नहीं आ रहा कि हम तुम जैसा नहीं है ये चुपकी चुपकी जैसा नहीं है ये सुनो चिंता जैसा नहीं है आ तो वो आ गई तो फिर नेक्स्ट जो लास्ट वाली होती है उस वक्त तक उन लोगों को उन कैरेक्टर्स के साथ प्यार हो चुका होता है तो अब थोड़ी मुझे भी पब्लिक की साइकी जो है वो समझ, में समझ आ गई है तो अब मैं ये करती, तो है। है। करती हूँ हाँ, की हाँ, सांस नहीं है इस बार ये क्यों हुआ सांस मुझे नहीं और क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हाँ। कि वो चाहती है कि यार मैं जॉइंट फैमिली में रहूं और मैं रिश्तों को एंजॉय करूं और मैंने कहा सांस ही नहीं इसमें डाली डाली सांस इसलिए नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस के पास पैसे नहीं है ओ। बड़ी कास्ट के लिए ओके। आ, उसमें इसके अंदर एक बड़ा मज़े का कैरेक्टर था कि जिसमें इनकी एक बड़ी बहन है जिसके दो तीन बच्चे हैं और उनका एक उसका मियाँ है जिसका नाम मुस्तकीम है Okay. जब भी कोई इवेंट होता है तो वो लड़की जो है ना अपने दोनों बच्चों को लेके आ जाती है घर के अंदर ना uh -huh. वो इनकी आपा है तो ये सारे कैरेक्टर्स जो थे ये पहले एपिसोड्स में थे uh -huh. उसके बाद जब इन लोगों ने अपना वो उसका एस्टिमेट लगाया तो वो थोड़ा ओवर हो रहा था uh -huh. उनका तो वो फिर सास को भी मार दिया बहन को <laughs> भी मार दिया बच्चे जो थे वो फिर हमने मत्ती के बना दिए तो ये चीजें okay. भी चल तो रही होती है ना ये भी मुझे बड़ा फनी टाइटल आ रहा है चांद तारा में सास को किसने मारा प्रोडक्शन हाउस के बजट में इसलिए वो ना सास थी पहले okay. जो है ना उस बेचारी okay. को कर दिया okay. तो इसमें से कुछ कैरेक्टर्स निकाले थे hmm. जो एक कैरेक्टर निकाला था वो मुस्तकीम का वो मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर hmm. था उसका मुझे बड़ा अफसोस है कि वो नहीं निकलना चाहिए था लेकिन वो ये कह रहे थे कि उनकी भी बात ठीक थी कि बहुत ज्यादा घर में क्राउड हो जाएगा मैंने कहा जब जॉइंट फैमिली सिस्टम आप दिखा रहे हैं क्राउड नहीं होगा तो फिर कैसे होगा इट इज़ अ क्राउड और अभी भी क्राउड तो 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 है वो क्राउड तारा वाकई चांद से प्यार करती है या अपनी या अपनी बचपन की महरूमी को फुलफ़िल कर रही है नहीं ऐसा नहीं है तारा की देखिए आप दो साल जो है वो दोनों एक रिलेशनशिप में रहे हैं okay. उन्होंने इतनी बातें कर ली हैं इतनी चीज़ें कर ली हैं जब आप एक okay. दूसरे को ऑलरेडी जान रहे होते हैं तो असल में प्रॉब्लम तारा का नहीं है प्रॉब्लम चांद का है वो अपने जो फैमिली के अंदर जो है वो वहाँ पर स्पेस जाता है जिसको नहीं मिल रही वो वहाँ से निकलना चाहता है आ, तो इसीलिए उसने उसकी माँ की बात को भी एक्सेप्ट कर लिया इसलिए उसने उसकी माँ की बात को जो है वो कर लिया है बट ये आयरॉनिक नहीं है कि तारा ने उस बंदे को पसंद किया जो चीज़ उसको चाहिए उसके ऑपोजिट है और उसका बाप जो फैमिली के साथ रहना चाहता है तारा का सारे मुझके भी ऑपोजिट है ये कैसे आपने ये पॉइंट सोचा कि मैं इसको लेकर आऊँ देखिए जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो आप रवा नहीं अब लिख सकते हैं और दूसरी बात यह होती है कि जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती ना तो आपको जब वो मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं मेरी लाइफ में अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो मैं उसी चीज़ की तरफ चाहूँगी ना okay. एक नेचुरली एक, एक फेनोमि है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते इसी तरीके से तारा जो थी उसको जब पता चला कि इसका किस तरह से फैमिली सिस्टम है वो उसको बातें बताता था वो अपनी फैमिली के बारे में तो वो उसको सुन के एक्साइटेड होती थी वो उसकी okay. लाइफ की एक बहुत बड़ी महरूमी थी जो उसको नजर आ रही थी कि मैं एक बंदा जिससे वो मोहब्बत करती है उसके साथ फैमिली भी है उसके साथ रिलेशंस भी हैं उसके साथ तो उसको वो सब कुछ मिल रहा है जो वो लाइफ स्पेंड करना चाह रही है, है। तो इसलिए उसने उसको किया है बाकी अभी भी पिछले दिनों बेचारी तारा पे इल्जाम आया था कि वो हनीमून पे नहीं गई हाँ, मेरा भी अगला सवाल यही है एक एक लड़की चुप शादी के बाद आती है ना जिसकी अरेंज मैरिज होती है उसका हनीमून तो समझ में आता है एक जिसके लव मैरिज है जो ऑलरेडी टू ईयर्स से दोनों एक दूसरे को जो है वो डेट तो साथ तो नहीं रहते थे ना नहीं साथ आपने आप शायद एक दो जगहों पे नोट नहीं किया कि वो जो वो अक्सर उसके हॉस्पिटल में पाया जाता था उसके साथ पार्क में घूम रहे हैं और वो सात आठ दिन है जिसमें वो ये कह रही है कि मुझे सिर्फ ये दिन जो है वो इंजॉय कर लेने दो बाकी भी आपने देखा है कि घर में भी तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो दोनों जो है तो वो जाएंगे वो वो इशू नहीं है प्रॉब्लम ये था कि वो उस टाइम का इशू था जब आप तारा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आपको लगता है वो ठीक है जब आप चांद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आपको लगता है कि वो ठीक था क्योंकि सॉरी टू से रियलिस्टिकली अगर हम, हम देखें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ अब कम होता जा रहा है बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं रहना चाहते लोग कपल्स या लड़कियाँ या मैं तो कपल्स बोलूँगी वो अलहदा अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं और वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद वो प्राइवेसी या इंटरफेरेंस जो होती है वो होती है प्राइवेसी नहीं मिलती जो अभी भी हम इस ड्रामे में बहुत क्लियरली देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक अनरियलिस्टिक सा हमें लगा जब तारा ने बोला हमने आज कहा आजकल कहाँ होता है ये और मुझे कंसर्न ये हुआ कि जो बात आप प्रमोट करना चाह रही हैं जो आप चीज़ को समझाना चाह रही हैं मुझे लगता है वो कहीं अंडरमाइंड तो नहीं हो रही जब हम इतना ज़्यादा एक एक उसको अनरियलिस्टिक उस पर लेकर जा रहे हैं तारा की बात को ये कंसर्न आपके जहन में आ रहा था कहीं भी या नहीं ये ये मेरे जेहन में आ रहा था लेकिन आगे थोड़े से कुछ इस तरह के इश्यूज होंगे जहाँ पे तारा भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगी okay. कि ये उसको, हाँ, उसको रिलाएग इतना रिलाएग सब कुछ नहीं है हाँ, इतना नहीं है और वो जो चीज़ उसको चाहिए प्राइवेसी या जो स्पेस चाहिए होती है उसको नहीं मिल रही है तो वो उसको करेगी लेकिन वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी जैसे आम लड़कियाँ वो करती हैं तो क्योंकि ये उसकी चॉइस था ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है नहीं, नहीं। तो जब आपकी कोई चीज़ चॉइस होती है तो फिर उस पर आपको कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है ना डॉक्टर राजिया सख्त क्यों है डॉक्टर राजिया इसलिए कि उनकी भी ज़ाहिर आप देखें बैकग्राउंड में एक स्टोरी है कि उन्होंने लव मैरिज की और वो जो उनके जो मियाँ थे वो उनको एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ले गए फिर उन्होंने उनके लिए जो है वो स्टैंड नहीं लिया जहाँ उनको कम्प्रोमाइज करना पड़ा तो उन्होंने अपनी मिसिस को जो है वो साइड पे कर दिया वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक थे वो अपनी मदर को नहीं छोड़ सकते थे हाँ। वो बीमार थी अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर राजिया जो है वो थोड़ा सा अनरीजनेबल नजर आती है मुझे हाँ। ऐसा लगता है तो ये ऐसे ही प्रोट्रे किया है आपने जी जिस तरह से मैंने लिखा है वो वैसे ही इसको करेंगे लेकिन मैंने उनको थोड़ा जो सख्त उनको दिखाया ना मैंने थोड़ा लाइटर वे में दिखाया था ओके ये कुछ थोड़ा सा कैरेक्टर को मेरा खाला कंसीव करने में आपको हो जाती है लेकिन वो है। अच्छा तो really like think, sadly, वो कर रही है नहीं नहीं बहुत अच्छा कर और, रही तो बहुत मज़ा आ रहा है आई रियली लाइक हर बिकॉज आई थिंक सैडली वो कुछ परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है औरत और मर्द दोनों को बोलूंगी जहाँ वो अपनी एक चीज़ पे आ जाते हैं अना पे आ जाते हैं या उनको जो चीज़ चाहिए उस पर वो बहुत क्लियर है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं जो मुझे लगता है डॉक्टर राज लेकिन औरत का दिल तो पिघल जाता है मोहब्बत से तो जाफर साहब की मोहब्बत से क्यों नहीं पिघलता है डॉक्टर इनका पिघल जाएगा तो माफ नहीं करना है वो इतनी हर्ट हो गई है कि वो कह रही है कुछ भी हो जाए मैं माफ नहीं करूंगी नहीं 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 ऐसा नहीं है बिल्कुल भी अभी देखे उन दोनों को एक साथ जो है टाइम उन्होंने नहीं गुजारा वो पिछले काफी सालों से अल्लाह से रह रहे हैं अब जब से जब से डॉक्टर डौ, नैन तारा की शादी हुई है तो उसके बाद वो घर में आ गए हैं जाफिर साहब जो हैं उसके बाद जो है नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि दोनों में बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा वो तो आई एम श्योर मैं भी उम्मीद उसी पे रख रही हूँ कि डॉक्टर राजिया का भी एक जर्नी हाँ। हाँ। होगा लेकिन जाफेर साहब भी इतने सीधे तो नहीं है वैसे तो बड़ा क्लेम करते हैं वो कि मोहब्बत है और मैंने इसीलिए तो तुम्हारी माँ को छोड़ा नहीं है तो मैं सोचती थी कि भाई फिर आप आके आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते ना आप रह जाते आके जैसे तारा भी कहती है आप क्यों वेट कर रहे थे कि तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती तो मैं आता तो जाफर साहब सीधे मेरी तो नहीं है। सुने वो सीधे नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेशन तो होती हैं ना मोहब्बत में होती हैं ना उनको ये लगा कि ये मुझे जो है वो अंडरस्टैंड करेगी ये मेरी फैमिली को टाइम देगी देखें जब वो अपनी बेटी को शादी से एक दिन पहले समझा रहे होते हैं कि मर्द को मोल्ड करना जो है वो मुश्किल काम नहीं है आप जब किसी की बात जो है उससे मनवाने के लिए उसकी बात पहले मानना पड़ती है तो तुम जब ये जाओगे ये सोच लेके मत जाना है कि तुमने जाके सब लोगों को चेंज कर देना है वहाँ पे जाके तो चीज़ों को जो है आहिस्ता आहिस्ता वो करना तब्दीली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है एकदम से कोई भी बंदा बहुत सारे लोग आपकी खातिर चेंज नहीं होंगे तो डॉक्टर राजिया ने ऐसी कोई एफर्ट की नहीं क्योंकि उन दोनों के दरम्यान में थोड़ा उनको ये था कि डॉक्टर रासिया को कि एक उनके फादर भी नहीं मान रहे थे इनके साथ शादी के लिए शादी के बाद जब वो उस घर में आई उसके बाद उनका एक पीछे से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो था एक फाइनशियल बैकग्राउंड था एक घर उनके पास अपना था अपना हॉस्पिटल था तो उनको ये लगा हाँ। कि ये मैं इनको छोड़ के आऊंगी तो ये आ जाएंगे मेरे पीछे तो वो दोनों बेचारे थोड़े ही ना उनकी वो होगी अंदाजों में जो है ना वो गलत हाँ वो हो गई है तो वो इस इस चक्कर में रहीं कि वो आ जाएंगी और वो इस चक्कर में रहे कि ये थोड़ा मेरे हालात को अंडरस्टेंड so, करेंगी अगर हम कहें कि दोनों ने थोड़ा सा एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया hmm. या hmm. रियलिस्टिक या एक्सपेक्ट सही किया वो उतर नहीं सके एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन में hmm. और उसके बाद थोड़ी ईगो आ गई है बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत हाँ। में जब ईगो आ जाती है तो मुझे लगता है ये वो सिचुएशन हम डॉक्टर राजी और जाफर बिल्कुल सेम ये इसी चीज़ से फेस कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं टिक टॉकर्स जब पिछले साल भी आपका एक कैरेक्टर था इस साल भी आपने पूरा एक पूरा दोनों एक कपल दिया है मुझे जो बात अच्छी लगती है ना वो ये कि आप टिकट टॉकर्स को एक बहुत डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं हम स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है टिकटर्स की वो आपके कैरेक्टर्स में नहीं देखते नहीं। हैं और मैं जानना चाहती हूँ उसकी क्या वजह है क्या आपका इंटरेक्शन है आपने रिसर्च की है आई डोंट सी देम जिस तरह दूसरे ड्रामों में मुझे वो नज़र आते हैं देखिए मुझे ये लगता है कि रबिया कोई भी प्रोफेशन चाहे वो टिकटॉकर्स हैं यूट्यूबर्स हैं कोई भी जो है आप उनको एक ही हिज़ाबी से क्यों देखते हैं उनकी देखें वो तो हर प्रोफेशन में हर डिपार्टमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कुछ उनमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं तो टिकटॉकर्स आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी में कभी मैंने यूज नहीं किया मेरा अकाउंट नहीं, नहीं है उसके नहीं, हाँ। ऊपर ना मेरा अकाउंट है अच्छा बल्कि जब मैंने ये करना था तो मैं थोड़ा सा जो दाएं बाएं से कुछ स्टूडेंट्स है मेरे जिनके टिकटॉक्स पे विडियोज बनाते हैं तो मैं उनसे पूछ के वो कर रही थी लेकिन कुछ टिकटॉकर्स हमारे यहाँ इतने ज्यादा फेमस हैं हमारे पाकिस्तान में कि वो जब आपको उनकी चीजें सामने आती हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वहाँ पे क्या हो रहा हो, होगा okay, okay. और थोड़ा ये मैंने ये देखा है कि टिकटॉक्स के ऊपर आप उसको सिर्फ एक ही पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है एंटरटेनमेंट के लिए आप गाने और रहे बस हैं, गा रहे नाय हैं नाय बस ये चीज़ें हु. हैं तो आप इसको किसी पॉजिटिव वे में क्यों नहीं यूज़ करते हु. तो मेरा ये था कि मैं इसके जरिए ये मैसेज देना चाहती थी इस कपल के ज़रिए और दूसरा ये देना चाहती थी कि बहुत सारे मैं यंग एज में शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप बग़ैर सोचे समझे कोई ऐसा डिसीजन ले लें फिर आपको उस डिसीजन पर स्टे करना होगा फिर आपको जैसे इसकी फैमिली ने उसको भागने नहीं दिया जहाँ पे इसकी आज हाशिर के जो हैं पेरेंट्स कह रहे थे कि हम उस लड़की को नहीं लेकर आएंगे तो जो लड़के के बड़े थे तायाबा जो थे उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं अगर इसने फैसला किया है तो अब इसको इसको निभाना पड़ेगा तो वो उसके ज़रिए मैं ये बताना चाह रही थी कि शादी जो है ये बहुत फैंटिसी हमें बाद चीज़ों में नजर आ रही होती है तो वो इतनी होती प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट होती है, होती है. तो ये कपल जो था जब उसने वो एक सीन में कहा भी रूमी ने कि मैंने तो सोचा था कि बस मजे करेंगे इंजॉय करेंगे बनाएंगे मुझे क्या पता था कि इस तरह से होगा तो अभी तो थोड़ी इनकी जर्नी जो है ये आगे जब जाएंगे दोनों और इनको थोड़ा लहता सेटअप में रहना पड़ेगा तो फिर इनको असर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स नहीं मुझे बड़ा हैं। अच्छा लगा कि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि शादी जल्दी कर लें लेकिन बी प्रिपेर कि उसके साथ चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है लेकिन थोड़ा बचकाना चैलेंजेस क्यों लगते हैं मुझे उनके क्योंकि वो दोनों अच्छे खासे बड़े हैं कमाते भी हैं टिकटॉक से अच्छा खास जो दिखाया उन्होंने बड़ी वो फैन फॉलोइंग भी है लेकिन अपने बिहेवियर और एटीट्यूड में थोड़े मुझे बचकाना लगते हैं इसकी क्या वजह इसकी वजह ये, ये है कि मुझे ज़्यादातर टिकटॉकर्स जो होते हैं ना वो बचकाना ही लग रहे होते हैं okay. ओके जब मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है मेचोरिटी का ताल्लुक जो है वो एज के साथ नहीं होता okay, okay. और मोस्टली टिकटॉकर्स जो मैंने देखे हैं थोड़े से वो नॉन सीरियस और इस टाइप के हैं सीरियस नहीं है हालांकि मैंने उनकी कोशिश की है उनको थोड़ा पॉजिटिव वे में दिखाऊँ तो लेकिन एक उनका एक एज फैक्टर भी है फिर दूसरा ये है कि आपने बिल्कुल बगैर सोचे समझे आप देखें कि उन्होंने निकाह कर लिया और लड़के के घर वालों को नहीं बताया इतना नहीं। बड़ा आपने स्टेप ले लिया है तो आपने कुछ नहीं सोचा और आपने ये ले लिया तो ये इस चीज की है उसको कि अपने कॉन्सिक्वेंस कुछ तो होंगे हाँ कुछ ना कुछ तो होंगे ना तो वो वो उसके जरिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ फिर घर में दो कपल्स हैं एक बड़ा मेजोर है और एक थोड़ा सा जो है उससे हाँ, वो, वो तो मुझे बड़ा क्यूट कॉन्ट्रास्ट लगता है वो कॉलेज भी जाके जो पूरी परमिशन लेते हैं और जिस तरीके से चांद तारा समझाती है प्रिंसिपल को वो भी बहुत प्यारा सीन था बहुत अच्छा सीन था प्रेगनेंसी शादी के लेटर हाँ। स्टेज में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है आई थिंक बहुत से कपल्स को आपने थोड़ी आज़ादी दी है ब्रीद करने की क्योंकि चाहे कुछ भी कह लें लोग डरते हैं कि अच्छा अगर ऐसा हो गया तो लोग हमें जज करेंगे हमारा मजाक उड़ाया जाएगा और हमारे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे ये आइडिया कैसे आया वट इंस्पायर्ड यू टू पिक अप दिस टॉपिक एक्चुअली आजकल मेरी नंद है वो गाना कॉलोजिस्ट हैं तो वो स्पेशलाइजेशन कर रही है गायनी में ओके तो उसके साथ मुझे ये लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं मैंने बड़ी तो नहीं है मेरी बड़ी बात नहीं है जब थोड़ा लड़कियों की शादी थोड़ा लेट हो जाती है उस पर भी लोग उनको बड़ी बातें कर रहे होते हैं फिर ये कह रहे होते हैं कि बच्चे नहीं होंगे ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो मैं तो ये तो 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 बताना चाह रही थी कि इसका ताल्लुक़ जो है वो उसके साथ नहीं है ठीक है कि एज एक है लेकिन ये नहीं है कि आप इस बात को बना लें कि जल्दी अली एज में शादियाँ लें करें और फैमिलीस बनाएँ और दूसरा ये है कि ये कोई इतनी गलत बात नहीं है आप ये देखें कि आज से काफ़ी साल पहले मेरी एक फ्रेंड थी उमेरा उसके हम लोग मैट्रिक में थे टेंथ क्लास में तो उसका भाई पैदा हुआ शायद उसका नाम अबू बकर था तो वो जब वो बेचारी इतनी एम्बेस हो रही थी क्लास में आके और बाकी लोग भी इसका बड़ा के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे वो फलाव मेरा तुम्हारा भाई फैदा हुआ है हैं इतनी बड़ी हो तुम तुम्हारा छोटा सा भाई आ गया oh तो मुझे ये लगा कि ये इस चीज़ को हमें थोड़ा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि ये कोई कोई बहुत बुरी बात नहीं है कोई हुँ. कोई गुनाह नहीं कर दिया उन लोगों ने और फिर आपने ये देखा होगा कि जो उनके बेटे ने रिएक्ट किया है वो हमारी सोसाइटी की एक अप्रोच थी जो उसने फ़ौरन कहा कि आपने सोचा क्यों नहीं मेरा क्यों नहीं सोचा मैं 19 साल का आपका बेटा हूँ तो लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या क्यों कहेंगे आपकी फैमिली है आपने बच्चे पैदा करने हैं आपने उनको संभालना है तो लो, लोगों को क्या इशू है तो मैं उसको भी थोड़ा वो करना चाह रही थी कि ये कोई वो नहीं है एक नॉर्मल चीज़ है नहीं इस बात की तो मैं बिल्कुल तारीफ करूँगी जब मैंने चांद तारा पहली दो तीन एपिसोड देखी तो मैंने कहा यार मैं तो मैं क्या इस पर गिनने बैठूँ ना मैसेजेस मतलब आठ से दस मैसेजेज हैं जो आप दे रही हैं उसमें एक नहीं है कि वो टिक टॉकर्स उनका इंप्रेशन जॉइंट फैमिली आपस में रिलेशनशिप्स लड़कियों को स्पोर्ट्स खेलने देना आ, देन बाप बहुत अच्छा दिखाया है जाफर साहब की सूरत नहीं। में नहीं। आपने इतने मैसेजेस आई वॉज लेट प्रेगनेंसी जो है तो आई वॉज वेरी इंप्रेसड कि माशाला माशाला से आप और बड़े अच्छे से बैलेंस किया हुआ है अच्छा ये सारे मैसेजेस भी जो मैं आपको अगेन अप्रिशिएट करना चाहती हूँ हर मैसेज एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू आप ले के चल रही हैं और वो उस कैरेक्टर के थ्रू हमें समझ भी आ रहा है और हम उसको एसोसिएट भी वो एक्सरसाइज वाला भी जो अब्बा हैं वो करते रहते हैं तो ये तो बहुत अच्छा आपने कम्युनिकेट किया हुआ है लेकिन ये क्लियर आपके जन में आइडिया होता है कि मैंने इसको लेके चलना है या बस जब जैसे लिख रही होती हैं तो होता जाता है ये नहीं ये असल में ये होता है कि जब मैं रमजान से रिल करती हूँ तो उससे पहले जो मेरा करेक्टर स्केच बनता है उसके अंदर सारी चीजें मैं डिफाइन करती हूँ उसको फिर वो मेरे लिए मसला नहीं होता ना मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों को मैं इकट्ठा कर लूँ स्क्रीन के ऊपर उनके पास करने के लिए कोई काम ना हो ये तो बड़ी जबरदस्त बात बोली आपने। तो वो बैठ के चाय पी रहे हैं वो बैठ के आ रहे हैं जा रहे हैं तो ये चीजें नहीं है एक बंदा अगर आया है स्क्रीन के ऊपर तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए ना वो किस लिए आया और मेरा जोड़ा जो है सबसे बड़ा जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इसके अंदर वो जो रुमैसा कर रही है सॉरी क्या नाम है उसका

वो इतनी ज़्यादा उसकी एक्टिंग के अंदर नेचुरल एक्टिंग लग रही है, है। उसकी आप फेस एक्सप्रेशंस देखें आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप उसका जो है टाइमिंग्स देखें और अगर वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वाकई ही सारम की बहन है और वो ऐसा लग रहा है कि वो बाकी स्पोर्ट्स गर्ल है उसने इस चीज़ पे नहीं किया कि मुझे ये लोग ट्राउजर और शर्ट्स पहना रहे हैं तो मैं ग्लैमर बुक वो लुक जो है वो मेरा नहीं आ रहा उसने इन चीज़ों के ऊपर कोई शोर नहीं मचाया उसने उस कैरेक्टर को वैसे ही लिया है जैसे मैंने उसको लिखा है तो इसलिए उसको देखने और जो आता मैं, मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ जिस बात की वो ये है कि वो लाउड नहीं है हाँ वो लाउड नहीं आई एम सो लाइड आई एम टायर्ड कि हर वो लड़की जो कोई डिफरेंट चीज़ करना चाह रही है वो लाउड होगी या वो बहुत तेज़ होगी वो नहीं है वो बिल्कुल वो अपने बाप से कभी ऊँची में बात नहीं करती वो किसी से लड़ाई नहीं करती है वो तरीके से बात करती है तमीज़ से बात कर है उसको आप तेज़ तेज़ बोलते हुए नहीं सुन रहे वो कोई भी ऐसी नॉन गर्ली हरकत नहीं, नहीं कर रही, रही है हाँ। काफी ठीक है उसका कपड़े आ, ऐसे हैं थोड़े से बट अदरवाइज वो बिल्कुल हाँ। नॉर्मल उस पर चल रही है बिल्कुल वो कहती हाँ। है मुझे इसको बड़ा मजे का लगता है वो तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा नहीं आ सका जहाँ पे उससे पूछते हैं ना कि मेरे कुछ गोल्स हैं जो कि कपल्स गोल्स से डिफरेंट हैं कहती हाँ, कहती है <laughs> <laughs> है है मुझे हाँ, याद वो तो वो वाला जो हाँ, है अभी इसका थोड़ा लव वाला जो होगा ना अभी आएगा इसका ओह दैट्स इंटरेस्टिंग तो वो मजे का है उसमें भी वो थोड़ा डिफरेंट है वो अगर अपनी लाइफ में डिफरेंट है कुछ चीज़ों में आपने ये देखा होगा कि वो गलत चीज़ों के ऊपर बोल बोल देती है सारी फैमिली के सामने उसने जो है जब ये सा, सारे बात कर रहे थे जब हाशिर के निकाह की ख़बर आई थी सामने तो सारे कह रहे थे कि नहीं हम उस लड़की को नहीं लाएंगे तो उसने स्टैंड लिया था कि ये गलत बात है और जब उसने एक और भी मैसेज दिया लास्ट एपिसोड में कि जहाँ पर सारे मुझसे ये कहता है कि तुम खेलने के लिए जा रही हो तो अब्बा का ख्याल का अब्बा ख्याल का ख्याल कौन करेगा तो तुम्हारी भाभी कर लेंगी तो उसने कहा कि नहीं ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है हम क्यों घर में आने वाली जो बहुएँ होती हैं ठीक है वो आपके वो कर रही हैं तो एक उनकी एक अच्छी बात है तो लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है अच्छा बहुत से लोग ऑडियंस को ये भी फ़ील हो रहा है कि इस बार शायद चांद तारा बहुत ज़्यादा नसीहतें कर रहा है <laughs> आ, आपको लग रहा है कुछ लोग समझते हैं कि नहीं और कुछ लोगों को लग रहा है कि नसीहतें ज़्यादा हो गई हैं कॉमेडी कम लग रही है हमें पता है कॉमेडी में, में इसलिए थोड़ा सा ये एक तो टॉपिक इतना सीरियस था और दूसरा ये होता है कि मैं फोर्स कॉमेडी डालती नहीं हूँ कि मैं इसमें डालूँ कि हम खास लाउड चीज़ें हो जाए उसके अंदर तो जहाँ पर गुंजाइश निकलती है सिचुएशनल कॉमेडी के अंदर वहाँ तो मैं कर देती हूँ ठीक है बाकी कुछ जो मैसेजेस भी ऐसे नहीं हैं कि मैंने सोच लिया था कि मैंने ये मैसेज भी देना है ये भी देना है वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली uh, जो मेरे साथ मुझे तो आती ये बात है वो मैं इसको करती गई हूँ एम्बुलेंस हाँ <laughs> है आपने इस बात कर ली इस उसमें मैं भी बात करना चाह रही थी आपने आप लिखा था क्या, ऐसे क्या स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि वो एम्बुलेंस लेके जाएगी अपने हाँ। करती है वो, वो बेचारी उसका उसमें कोई कसूर नहीं है उसकी okay. जो जिम्मेदार वो मैं हूँ देखिए रबिया मैं पिछले चौदह साल से हॉस्पिटल की सराउंडिंग में रहती हूँ मैं मेरा ताल्लुक जो है एक डॉक्टर फैमिली से है मेरे हस्बैंड जो है वो सर्जन है माशा मेरी नान गायनाकोलॉजिस्ट हैं मैंने चौदह साल जो है एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स कॉलोनी में गुजारे हैं ओके okay. हम, हम मुझे ये समझ नहीं आती कि जो ड्रामा जो होता है हम उसको ये क्यों नहीं इस बात को लेते कि ड्रामा सोसाइटी के अंदर से निकलता है सोसाइटी ड्रामों से नहीं बनती मैं जब सुबह को जाती हूँ कॉलेज जो है मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो रास्ते में मुझे बहुत सारी एम्बुलेंस इसी काम के लिए नज़र नहीं आ रही होती बहुत सारे काम उ, उसमें हो रहे होते हैं वो ठीक है गलत है लेकिन उस चीज़ को ये कर देना कि एक बहुत बड़ा उसके कोई बहुत बड़ा उसने गुनाह कर दिया है तो ये वो नहीं है चीज़ गलत है मैं उस चीज को मानती हूँ लेकिन ये कह देना कि वो एक हम एक वो जो हिरोन है वो एक ह्यूमन बींग भी तो है ना वो अच्छे काम भी कर सकती है वो गलत काम भी कर सकती है और अगर वो ये कर रही है मैंने इसको दो तीन दफ़ा जगहों जो, जो, पे दिखाया है तो डेफिनेटली मेरे जिन में कुछ ऐसा होगा कि मैं उसके जरिए भी कोई मैसेज देना चाहूँगी तो वो वो मैसेज आपको आएगा वो अगली आएगा में, आज एक दो एपिसोड्स के बाद आ जाएगा कि जिसमें उसको एहसास होगा कि मुझे नहीं ये करना चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा मार्जिन जो है हमें लाइटर मोड की जो सीरियल्स होते हैं उसमें देना चाहिए और हर चीज़ में अपने खुद कहा है कि पैगाम तो हम नहीं दे सकते ना मैसेज नहीं दे सकते हम हर चीज़ को इतना हैवी क्यों बना देते हैं लाइटर मोड में थोड़ी आप जो है गुंजाइश निकाल लिया करें कुछ चीज़ों के लिए <laughs> और बाद अवकात जो आ, 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 राइटर है वो जब कोई चीज़ कर रहा होता तो उसके ज़िन्न में होता है कि मैं इसको जस्टिफाई करूँगा आगे जाके किसी okay. ना किसी जगह के ऊपर तो ये उस बेचारे का अपना कोई कसूर नहीं है मेरा कसूर है अच्छा दो तीन बातें पहले सबसे पहले शुक्रिया बहुत बहुत मुझे सुकून का सांस मिला है कि आप आगे बोल रही हैं आगे जाके इसमें कुछ ना कुछ होगा बिकॉज जो भी बोले मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एज अ राइटर एंड आई एडमायर यू अ लॉट जब कहीं मुझे कहीं से भी बात हो रही हो और मैं मुझे कोई कहे कि ये सायमा अक्रम चौधरी का स्क्रिप्ट है तो मैं कहती हूँ ओ ये तो मैंने देखना ही देखना है और इसमें मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो एक्सपेक्टेशंस हैं तो मैंने अपने रिव्यू में भी ये कहा था और मैं सिल में भी सोच रही थी कि आई होप आगे जाके कुछ ना कुछ इसको करें तो शुक्रिया पहली बात इसका दूसरी बात ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं उसको आप रिफ्लेक्ट कर रही हैं। सिर्फ डिलेमा ये आ जाता है कि हम उस रिफ़्लेक्शन को दिखाएं या हम ये सोचें कि इसको देख के और लोगों को आइडिया तो नहीं आ जाएगा नहीं। और क्या हम इतने सीरियस इशू को थोड़ा सा अंडरमाइन तो नहीं कर रहे अगर हम हिस्सा दिखा रहे क्योंकि चलिए वो भी दिखा दिया कि वो लेके जाती है एक जगह जब शादी का सीन है तो वो बोलती है इसकी वजह से एक्चुअली हम ट्रैफिक भी अवॉइड कर लेंगे हुँ, हुँ, मुझे लगता है वो जुमला मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा सा मुझे इशू हुआ कि मे बी ये जुमला नहीं कहना चाहिए था क्योंकि फिर एम्बुलेंस तो एम्बुलेंस है ना और वो भी वो माहौल जहाँ हम ऑलरेडी चीज़ों को रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे रूल्स को सीरियसली नहीं लिया जाता इस सोसाइटी में और थर्ड बात ये कि यह ड्रामा ऑलरेडी बहुत मैसेजेस दे रहा है mm -hmm. तो उस पर जब हम इतने मैसेजेस दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि फिर एक ड्रामा जो इतनी अच्छी बातें mm -hmm. कर रहा है फिर वो ये कैसे करते हुए दिखा सकता mm -hmm. है तो ये सिर्फ मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रही हूँ आपको बट आई एम ग्लैड दैट यू सेंग कि आगे जाके mm -hmm. ये होगा एंड एज राइटर्स आई एम श्योर आपको भी होता होगा एज व्यूअर्स एज रिव्यूअर्स ऑल्सो मेरा हमेशा mm -hmm. ये रहता है कि हम किधर लाइन ड्रॉ करें mm -hmm. कि कॉमेडी कि में किस टॉपिक को कितना सीरियसली लिया जाए और क्या हम कितना थोड़ा सा जैसे आप कह रही हैं थोड़ा सा हमें भी हल्का रखना चाहिए हाथ या हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए वो एक क्वेश्चन रहता है कि किस तरीके से उसको मैनेज करें दूसरा मैं एक और चीज भी बताऊं कि एम्बुलेंस की जो बात है ना एक डॉक्टर की मिसिस होने की हैसियत से मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस पर हर वक्त उसमें पेशेंट्स नहीं होते वो वैसे भी किसी और काम से भी वो तो फिर, हुआ हुआ। फिर तो मजा लेकिन उसका नाम मुझे नहीं आ रहा मैं वो चलाया हुआ था। <laughs> उसके ऊपर चल रहा होता वो नहीं चलाया हुआ होता तो ये इसके जरिए मैं ये मैसेज देना चाह रही थी कि ये एम्बुलेंसेस जो हैं ये इन कामों के लिए नहीं होनी चाहिए और बाजत जब आप बड़ा उसको ले रहे होते हैं आम ले रहे होते हैं हैं। वो बाद में आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सो आपका ड्रामा आगे जाके हाँ, बट ये, तो <laughs> <laughs> हाँ. ये भी होता है कि एज वो एक दफा के बाद जब तीसरी दफा हुआ तो फिर हमने कहा अब क्या हो रहा है अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है हाँ। ज्याद, हो 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 हाँ। एक आध दफा करके तो करें जिन लोगों को मेरी तरह अच्छा मुझे इस चीज को बड़ा पॉजिटिव वे में लिया है जो लोगों ने इस पे क्रिटिसिज्म किया ना मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी ऑडियंस को पता है इस चीज़ का ये गलत लेकिन आप देखें अगर कमेंट्स पढ़े तो एटलीस्ट ऑडियंस परसेंट ओके जो मुझे या फोर्टी परसेंट ऑडियंस वज ओके उन्होंने कहा कि वॉट इज बिग डील तो मुझे दुख हुआ पड़ के ये वो इसलिए उन्होंने कहा कि ये कोई वो नहीं है बड़ी डील नहीं है क्योंकि ये चीज़ जब हम देखते हैं हॉलीवुड में या बॉलीवुड में या अब मूवीज़ में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ सिचुएशन में इसको एम्बुलेंस का यूज़ हुआ है जो बड़ा एक लाइटर मोड में या वैसे इसको उसका यूज़ किया गया है तो इसलिए उनको लगा कि ये नॉर्मल है लेकिन अब उनको ये लगेगा कि ये नॉर्मल नहीं है कि और आप दूसरी बात ये होती है कि हॉस्पिटल में एक, एक एंबुलेंस नहीं होती वो तो होती है मैं उसको हाँ। जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। पता चले कि बाद में नीचे कमेंट्स में आ रहे हैं कि देखें ये गलत चीज को प्रमोट कर रही है वो गलत चीज है लेकिन ये हमारी सोसाइटी में हो रही है नहीं, मैं, बिल्कुल हो रही है मैं तो डर हुआ इसीलिए तो दुख इसीलिए मैं एकदम से स्ट्रेस में आई हूं नहीं Uh, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ये कर चुके होंगे जैसे आप कह रही हैं आई एम श्योर योर वाई उसमें तो कोई शक ही नहीं है और भी बहुत सी चीजें हमने भी बहुत हाँ, सी चीजें की है लेकिन उसको जब पब्लिक फोरम पे हाँ, एक वो एक्टर्स जो उनको इतना पसंद किया जाता है जो इन्फ्लुएंस किया जाता है कर कर रहे होते हैं वो करते हैं ना तो फिर आप काइंड ऑफ ठप्पा डालते हैं तो उससे थोड़ा सा वो होता है वरना तो आपको पता है क्या चीज़ नहीं हो रही है बिल्कुल ऐसा अच्छा हो रही पता है। होता है, क्या होता है अब थोड़ा सा राइटर्स का भी ये होता है कि हम जब फ्लो में लिख रहे होते हैं ना तो हमें इतनी ज्यादा उसकी नहीं पता होता है इस चीज़ का ये आएगा तो जब सेकंड से थर्ड टाइम ये इसका यूटिलाइज हुआ तो मुझे शहजाद ने कहा कि ये इसको जो है अब नेक्स्ट टाइम हमने नहीं करना और इसके ज़रिए जो हमारा मैसेज है जो हम देना चाह रहे थे वो हमें थोड़ा लेट कर दिया हमें उसको जल्दी कर लेना चाहिए था बट चलें हाँ। देर आयात दुरुस्त आया कोई कोई मसला नहीं है हम वेट करेंगे जरूर um, मुझे लगता है और कहा जाता है कि राइटर्स um, जो हैं वो एक नेशन की आइडियोलॉजी को चेंज करते हैं आप एग्री करती हैं राइटर्स मुझे तो nation लगता है कि नेशन तो, हमारी आइडियोलॉजी चेंज कर रही है तो चलिए उसको छोड़ दें हाँ। आप लेट बेसिक अगर हम लें तो आपको लगता है कि राइटर्स इन्फ्लुएंस करते हैं माइंड्स को या नहीं आप इस बात पे बिलीव करती हैं मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है इसका रबिया आप, आपका असल जो है घर से जो होती है ना तरबियत जो होती है वो ज़्यादा okay. रखती है उसकी उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है एक एक बच्चा जो है जिसने सारी ज़िंदगी कोई अच्छी चीज़ नहीं सीखी वो ड्रामा देख के क्या वो सीखेगा और दूसरी बात ये है कि ड्रामास जो हैं वो कभी भी इस परपज़ के लिए नहीं बनाए जाते लोगों को इस चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए कि ये जो इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उन्होंने जो पैसा उसके ऊपर लगाया हुआ है वो उन्होंने वसूल करना उसको। है उसको वो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या मैसेज जा रहा है या आप क्या सोच रहे हैं आपका बच्चा ख़राब हो रहा है या क्या निगोरब मैं तो इस चीज़ को ये कहती हूँ कि देखें अगर हम कर भी लेते हैं अव्वल तो हमें एज अ राइटर हमारी एक जिम्मेदारी बनती है एज अ प्रोड्यूसर उन लोगों की भी बनती है एज अ एक्टर्स भी बनती है कि आप लोग ऐसे जो हैं कैरेक्टर्स जो हैं उनकी सिलेक्शन ना करें जिससे एक सोसाइटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पेक्ट जा रहा है लेकिन एक थोड़ा सा पता है क्या मुझे लगता है कि रबे हमारा मिजाज ऐसा बन चुका है कि हम ना वो एक चस्का लेने वाली जो कॉम होती है ना हमें वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं निगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है पॉजिटिव मैं लिख रही होती हूँ ना चीज़ें मेरे आपको कैरेक्टर्स में नगेटिविटी बहुत कम दिखाई देगी मैं मुझे कर इतना मुश्किल हो जाता है बाजा अकात मेरे लिए करना कि मैं स्क्रिप्ट में और क्या करूँ नेगेटिव कैरेक्टर हो यकीन माने वो ऐसे दौड़ता है भागता है वो अपनी जगह खुद बना लेता है पॉजिटिव चीज़ों के साथ लिखना बड़ा मुश्किल काम है पॉजिटिव मैसेज देना मुश्किल काम है और दूसरा ये है कि जहाँ हमारे ऑडियंस को ये लगता है ना कि अब ये कुछ तबलीग शुरू हो गई है या कोई प्रीची वो हो गया है ड्रामा वो वहाँ पे इसको स्विच कर लेते हैं कोई भी नहीं सुनता अभी पिछले दिनों मैं एक टॉक शो में सुन सुन रही थी कि चाँ तारा में बहुत मैसेजेस हैं ये क्या बात हुई ये नहीं कि आपने मैसेजेस भी नहीं लेने आपको अब फिर दिखाएं क्या हम ना आप हमें बता दें कि आप देखना क्या चाहते हैं तो ये है कि हर चीज़ के ऊपर आपने फिर क्रिटिसिजम ही करना है तो फिर जो एज अ राइटर मेरी जिम्मेदारी बनती है ना मैं फिर वो उस हद तक तो मैं कर सकती हूँ बाकी तो मैं लोगों की वो नहीं कर सकती है नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं हर किसी की आ, एक पूरा सर्कल होता है ना एक पूरी चीज़ उसमें बहुत से लोगों के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसका जो पार्ट है उसकी उसके साथ रिस्पांसिबिलिटी आती ले है आ, लेकिन देखिए आपने सोनो चंदा लिखा तो उससे क्या नया ट्रेंड हुआ सोनो चंदा ने चेंज किया अगर आज हम रमजान ड्रामा की चार हीरोइंस को लें तो वो चारों इंडिपेंडेंट वमेन हैं Hmm. तो फ़र्क तो पढ़ रहा है ना कि hmm. जो आप लोगों ने लिखा उससे क्या डेवलपमेंट हो, हो रही है उससे क्या चेंज हो रही है सोसाइटी की एक चीज़ को आपने चेंज करने की कोशिश की hmm. कि आज चारों खीन जो लीड हैं hmm. उनको आपने स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लड़कियाँ दिखाया है hmm. इस साल रमज़ान ड्रामे में अगर मैं इसको छोटा hmm. सरूँ तो फ़र्क तो पड़ता है hmm. लेकिन क्या एज राइटर्स इस जिम्मेदारी को राइटर्स इतनी सीरियसली नहीं ले पाते या या उसकी जिम्मेदारी का एहसास उनको इतना वो ख़ुद ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे राइटर्स का नाम सबसे नीचे आता है क्योंकि हम राइटर्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो राइटर्स ख़ुद अपनी इस बात को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका कलम कितना पावरफुल है आपको लगता है ऐसा भी कुछ हो रहा है बाज़ अवत यह होता है कि रबिया राइटर जो है वो उस चीज़ को समझ रहा होता है लेकिन उसके ऊपर प्रेशर होता है प्रोडक्शन हाउस का प्रेशर होता है चैनल का होता है उनको इस तरह की लड़की चाहिए इतना लाउड कैरेक्टर चाहिए बाज़ आपने नहीं लिखा हुआ होता वो वहाँ पे बना दिया जाता है जो है जब आप शूट चल रहा होता है आपका डायरेक्टर उसको बना देता है या डायरेक्टर को कोई को कह देता है तो मेरा नहीं ख्याल के लाउड होना जो है वो कोई नहीं बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल भी, भी, इस भी, 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 भी पसंद नहीं करती ना मैं वो बदतमीज़ी जो है वो चीज़ें हैं मुझे अच्छी लगती हैं आपको मेरी हीरोइंस में वो नज़र नहीं आएंगी चीज़ें थोड़ा सा उसमें फिर भी कुछ मैनर्स और कुछ नज़र आएगा उनकी ज़िंदगी का एक कोई ना कोई एम होगा और जो है एज ए राइटर तो हमारी जिम्मेदारी है वो उसके लिए हम जॉबती हैं लेकिन हम इस चीज़ के लिए जवाब दे नहीं है कि हमने स्क्रिप्ट लिख के प्रोडक्शन हाउस को दे दिया है आगे वो उसके साथ क्या करते हैं तो वो हम उसको नहीं राइटर्स की इतनी इतनी पावर कब ला सकते हैं या इतनी इंपॉर्टेंस कैसे लाई जा सकती है कि उन उन्होंने जिस तरह का लिखा है वो वैसे ही जाए या फिर वो जिस तरह का लिखना चाह रहे हैं वो आगे आए कुछ चीज़ें हैं जैसे आप कह रही हैं कि ऑडियंस को ये चाहिए तो हम वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें कि जो अच्छा पहले उस सवाल का जवाब दें फिर ये दूसरा वाला सवाल करूंगी मैं सॉरी uh, क्या सवाल राइटर्स को हम हाँ। हम कैसे चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि राइटर्स को जो रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस चाहिए वो मिले उनकी बात और जो जो उन्होंने जैसा लिखा है वैसा ही आगे जाए या जैसा वो लिखना चाहते हैं वैसा ही वो लिख सके ऐसा ऐसा नहीं है राबिया हम असल में जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो ब्लेस्ड हैं इस मामले में और मेरा जो है शुमार भी उन्हीं राइटर्स में होता है कि मुझे खुल के लिखने का मौका दिया जाता है लेकिन हर राइटर के साथ ऐसा नहीं होता आप ये सोचें कि एक पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है जिसको आपने सेटिस्फाई करना है जो चैनल्स की पॉलिसीज के मुताबिक आपसे ड्रामा लिखवा रहा है और उसमें फिर आके किसी एक जगह पे आके हम बेबस हो जाते हैं हमें लगता है कि या तो फिर ये होगा कि ड्रामा आपके हाथ से निकल जाएगा कोई और राइटर आके इसको कर देगा Okay. या फिर ये होगा कि आपकी बात मान ली जाएगी और वैसे मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर सूरतों में वो अपनी पॉलिसी से नहीं हटते उनके जिस कंटेंट की रेटिंग आती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहे होते हैं तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता तो है फिर हाँ। तो हम इससे बहुत मुश्किल लग रहा है आपकी बात सुन के कि हम निकल सकें थोड़ा सा मुझे जो है ना जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हम टी की वो थोड़ा इन चीज़ों को साथ लेके चल रहा है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन पर वो उनके यहाँ आपको जो लड़की है वो इतनी ज़्यादा रोती पीटती और मार खाती हुई नज़र नहीं आएगी वो उनके यहाँ थोड़ा काम जो है अभी काम है इस लिहाज से तो बाकी ये है कि राइटर्स बेचारे लिख देते हैं हाँ कि उनकी किस्मत है क्या कि आगे क्या होता है आप जो नए राइटर्स आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के दो तीन टिप्स उनको दे दें <laughs> 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 बस देखें मैं मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी की बात जो है वो मानने अपनी बात मनवाने के लिए किसी की बात मानना पड़ती है पहले आप अपना नाम और एक मकाम बनाएँ कि जहाँ पर लोग आपकी बात को सुन सकें अगर सायमा के पीछे इतने डामास नहीं है या बोल, मेरा एक नाम नहीं है तो कौन मुझे सुनेगा? वो कहेगा पे तो आपको अपनी टाइम आपके पीछे जो है एक, आ, ऐसी हों जिससे बोले तो लोग आपकी बात सुने, जो आपकी बात सुने तो थोड़ा सबर से काम ले कामता लंबा है लेकिन मैं ये कहूंगी कि जितनी आप लोग एफर्ट कर सकते हो थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं आप नेगेटिविटी मत दिखाएं मुझे लगता है अगर सेवेंटी परसेंट वो उनके मुताबिक लिखा है तो थर्टी ट्वेंटी परसेंट वो तो कुछ डाल लें आहिस्ता हाँ। आहिस्ता तो चीज़ें चेंज चीज़ होंगी ना <laughs> मैं करप्ट कर रही करूँ सबको <laughs> <laughs> ये कुछ छोटा मोटा डाल लें हाँ। कुछ जो नया हो जो डिफरेंट हो हाँ। ताकि वो मिलता रहे अच्छा मेरे साथ ये होता है कि मैं बाज़ अवत कहीं उनको पता ही ना चल जाए कि बाज़ अवकात ये होता है कि ड्रामा जो होता है जब आखिरी जो डेड को क्रॉस कर चुका होता है ना मेरा स्क्रिप्ट जो है फिर वो ऐसा हो जाता है कि हैंड टू माउथ हो चुके होते हैं वो लोग तब ड्रामा मेरे हाथ में होता है <laughs> फिर क्या होता है फिर जो मैं लिख के दे ना बताएं अब ये अच्छा, <laughs> अच्छा अगली बार हम ऐसा नहीं होने देंगे अच्छा वैसे दे, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी मज़े की बात कि अल्लाह तला नजरें बस से बचाए जैसे मेरी वो कहती है नाज कि कहीं मुझे नज़र ही ना लग जाए तो मैं वो मेरी राइटर हूँ कि जिसपे मुझे याद है कि अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत एक अब्दुल्ला कादवानी साहब को वो मुझे कहते थे आप किसी की बात सुनते क्यों हैं <laughs> मेरी देज़े। देज़े। में वो कहती थी, थी तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है तुम सायमा करम चौधरी हो तुम क्यों सुनती हो डायरेक्टर की बात तुम क्यों सुनती हो तुम्हें जो दिल चाहता है तुम वो लिखो तो कादमानी साहब मुझे ये कहते थे कि जो दिल चाहता है वो करें इसी तरीके से मुझे मैमोना से सीखी है हम टी वी पे वो मुझे कहती हैं कि जो आपका दिल करता है सामा आप लिखें तो वो थोड़ा सा मेरी फिर जो अपने कॉन्टेंट हेड हैं उनके साथ थोड़ी सी मेरी बाजूक़ात हो जाती है थोड़ी हाँ तो लेकिन आजकल वो बेचारे वो खुद बेबस हुए होते हैं तो वो जब चीज़ें मेरे अपने हाथ में होती हैं ना वो फिर मैं इसको निकाल निकाल देती हैं फिर हाँ। तो मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊँ मुझे पता है आप सारे फैंस फैंसों कहती हैं यार मुझे सुनो चंदा कंपेयर नहीं करो बट आई मिस सुनो चंदा आप मिस करती है सुनो चंदा मैं, मैं बहुत ना इतना चांस देना चाहती हूँ नए ड्रामों को बट मैं देख रही हूँ ना इस साल तो मुझे सुनो चंदा इतना याद आ रहा है कि मैं आपको क्या मैं आपको एक बात बताती हूँ राबे आप मेरी बात लिख लें आईदा आने वाले दो सालों में अगर इसी तरीके से रमजान सीरियल बनते रहे तो लोगों को नफरत हो जाएगी रमजान सीरियल से जब एक चीज बहुत अरसे के बाद आती है ना तो एक चीज सबको अच्छा लगता है बिल्कुल उस वक्त वो एक नई चीज थी, वो एक चीज़ थी। अब सुनो चंदा अगर अब, अब आप लिखेंगे तो लोगों के लिए वो नहीं होगा एक्सेप्टेबल नहीं होगा चार साल पहले था पाँच चार साल है ना तो उसमें चेंज ऑडियंस चेंज हो गई है आपकी अपने एज राइटर जो है आपकी वो चीजें आपकी डायमेंशन चेंज हो जाती हैं तो वो जो है अब मुझे लगता है कि जब आप अपने व्यूवर्स को इतना कुछ दिखा देंगे ना लाइट मूड के नाम पे एक हुड़बाजी और एक लाउड चीज़ें कॉमेडी के नाम पे दिखा देंगे तो उसके बाद वो कहेंगे नहीं भाई हमें वो रोती धोती लड़की चाहिए हम वही दिखाएँ हाँ। इतना यार बर्दाश्त नहीं होती है या तो राइटर में देख रही होती हैं कुछ ड्रामाज जो होते हैं मैं दूसरे से तीसरा सीन मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है तो पता नहीं आप लोग कैसे देखते हैं मैं <laughs> 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 मैं तो मैं तो सब एक्टर्स को बोलती अपने ड्रामे बैठे ना देखें हर रोज हर हफ्ते देखें और यार तीन, तीन चार घंटे के ड्रामे आप देखें ना जो इतने नेगेटिव या टॉक्सिसिटी या आजकल मैं बोलूँगी काफी लेम उसमें कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं तो आप इतने लेम हो रहे होते हैं कि आपको ना उस पर हंसी की बजाय गुस्सा आता है अभी मुझे लगता है मुझे अफसोस होता है मुझे लगता है इससे ज्यादा टैलेंट है हमें बहुत टैलेंटेड है हम लोग मतलब हम इस जरीबी उठा के देखें यार क्या ड्रामा पता है राबिया इसकी एक और बड़ी वजह है देखिए मैं मैं ये बात करती हूँ कि हर बंदा हर काम नहीं कर सकता लाइट मूड का ड्रामा हर राइटर नहीं लिख सकता लाइट मूड का ड्रामा हर डायरेक्टर नहीं बना सकता उसको उसके अंदर जो है आप अगर लाइट मूड का सीरियल बना रहे हैं तो आप उसके मुताबिक चीज़ों को जब करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी आ, वो नज़र आएँगी हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ दो तीन डायरेक्टर्स होंगे जो कि लाइट मूड को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं बाकी जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि चीज़ों को लाउड कर देंगे लड़की चीखेगी और सिचुएशंस कुछ इस तरह की होंगी फोर्स कॉमेडी होगी तो ये लाइट मूड हो गया तो आई एम सॉरी ये लाइट मूड नहीं है नहीं। तो ये चीज़ जो है ये हमारे ऑडियंस के लिए नुकसानदेह है ये हमारे अपने लिए नुकसानदेह हैं आने वाले दिनों में आपका रमजान ड्रामा कोई नहीं देखेगा आपको लग रहा है इस साल जो हुआ उससे अफेक्ट होगा आपको मुझे लग लगता, लगता है इतना तो आप प्रोडक्शन हाउसेस को या जो चैनल्स हैं या जो लोग बैठे हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस साल मैं उनको ये Future कहना चाहती हूँ कि यार खुदा के लिए चाचा चार ड्रामे मत बनाए एक चीज़ बना लें अच्छी बना लें सारा बजट उस पर डाल दें सारा बजट उस पर डाल दें ताकि लोग उसको याद करें यार यम हमने ड्रामा जो है जिस पे बारह बारह मिलियन व्यूज आए विद इन फोर फाइव आवर्स आप आप एक और चीज़ भी नोट कीजिएगा चैनल्स जब तक एक एक ड्रामा बनाता रहा ना तो बड़ा अच्छा रहा है जहाँ पे दो ड्रामों पे आ गया ना वहीं पे थोड़ी चीज़ें खराब होना शुरू हो गई हैं अब तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हर तीसरा ड्रामा ही इस तरह का होगा उनको उनको लग रहा होगा कि शायद टी आ रही हैं तो हम आगे भी इस तरह के ड्रामाज़ बनाते हैं तो टी तो मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर बहुत कम है ये एक रियलिस्टिक बात है जो मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए हर किसी को और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है बड़ी अनॉइंग लगती है यार कि वो हर चैनल ने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है टीआरपी का ये इतने, ए, उनका एरिया इतना है उनका एरिया इतना है पता ही नहीं चलता कि जनरली जो है वो कौन सा ड्रामा जो है वो ऑडियंस देख रही है कि हर चैनल की अप, अपना एक उसका जो है वो एरिया है उसकी वो निकालता है रेटिंग तो सारे ड्रामे जीत रहे हैं हाँ, एक ही टीआरपी है ऐसा नहीं है मुझे इतना डिटेल में नहीं पता बट जितना मुझे समझ आए मैं भी आई फील कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है रेटिंग्स ये कितने ये निकाल दें यार आप रेटिंग्स को निकाल देंगे ना आपका ड्रामा अच्छा हो जाएगा ये ये कर, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है राइटर्स को बहुत ज्यादा से बहुत और और आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा आप सोचें कि मैं मैंने पिछले पाँच छः सालों में जब से मैं रमज़ान सीरियल लिख रही हूँ इतना स्ट्रेस होता है इस चीज़ का कि आपने एक ड्रामा लिखती है आपने एक चीज़ आपके हाथ से निकल के चली गई है उसके बाद उसकी जब तक टीआरपीज नहीं आएंगी तब तक आपको कोई मानेगा नहीं कि आपने अच्छा लिख के दिया है आपका सॉरी टू से घटिया से घटिया कॉन्टेंट जो है वो टी आर पी ले रहा है ना तो वो लोगों की नज़र में एक कामयाब जो है वो सीरियल है कितने अच्छे सीरियल्स हैं यार जिनकी टीआर पीस नहीं है जो अच्छे टॉपिक्स पर बनाए गए हैं फिर अफसोस होता है कि एक अच्छा लिखने वाला राइटर जो है वो ये कहता है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है यार मैं ऐसा सीरियल लिखूँ कि लोग ये कहें कि यार छोड़ो इससे क्या लिखवाना है लास्ट ईयर तो इसने बड़ा वो दिया था ड्रामा फ्लॉक दिया था, था। हाँ। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाया था तो किसी और से लिखवाओ फलान से लिखवाओ उसकी इतनी टी आर पीस आती हैं तो टी आर पीस जब चैनल्स के ऊपर से हट जाएंगी फिर अच्छा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा जब कोई कंपटीशन नहीं होगा कि ये नहीं होगा कि यार हमने इसके साथ मुकाबला करना है हमने इसके साथ मुकाबला करना है और रमज़ान सीरीज में तो बड़ा कुछ चल रहा होता है कि जब आपकी कास्टिंग हो रही होती है वो इधर की कास्टिंग उधर चली जाती है उधर की कास्टिंग इधर आ जाती है एक वो भी गेम चल रही होती है ना लेग पुलिंग चल रही होती है तो इन सारी चीज़ों ने हमारे ड्रामे को इफ़ेक्ट किया है तो मेरा बस चले तो मैं आज टी आर पीस ख़त्म कर दूँ तो रमज़ान ड्रामाज होने चाहिए उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आपको लगता है रमज़ान ड्रामाज होने चाहिए लेकिन किसी एक प्रॉपर मैसेज के साथ एक जो हमारी हैं अपनी वैल्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी की हैं या एज अ मुस्लिम हमारी वैल्यूज हैं उन सारी चीज़ों को ले जो है वो एक ड्रामा बनना चाहिए लेकिन बड़ा बैलेंस ड्रामा बनना चाहिए ना तो इतना आप उसको वो कर दें कि बोझिल कर दें कि लोग उसको देख ना सकें ना आप उसको इतना लाउड कर दें कि आपके लिए इसको हज़म करना ही मुश्किल हो जाए तो ये थोड़ी एक जिम्मेदारी है होने चाहिए ड्रामा जो है रमज़ान में क्योंकि लोग एक देख रहे होते हैं वेट कर रहे होते हैं लेकिन उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैं एक बात सोच रही हूँ रमज़ान ड्रामा रमज़ान में आता है लेकिन उसमें हम रोज़े नहीं दिखाते रमज़ान और ईद का नहीं वो क्यों हुआ जाए वो ये। वो ऐसा नहीं है कि उससे भी थोड़ा सा एक रमज़ान की फील ज़्यादा आएगी क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो उसको टीवी पे भी देख रहे हैं तो हम रिलेट ज़्यादा कर सकेंगे बट कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो सवा एक या एक आर ड्रामे के कहीं भी हमने रमजान और ईद को नहीं देखा है ड्रामों में वो इसलिए हम बहुत फंस गए थे तो मुझे लगता है कि बदुआ दी हुई है कि वो कभी वक्त से पहले खत्म नहीं हो सकता। <laughs> वो एंड तक चलेगा वो लाजमी चलेगा कि रमजान स्टार्ट हो जाता है उसमें भी चल रहा होता है उसमें फिर हमारे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ये आ जाती हैं वो बड़ी मजे की चीजें फिर हमारे ऊपर इतराज़ा हो रहे होते हैं जैसे सोना चंदा में ये था कि लोग रोजा रख के दोनों कर रहे हैं रोजा रख के ये देखें कि ये काम हो रहा है रोजा रख के ये झूठ बोल रहा है रोजा रख के जो है ये घर से झूठ बोल के गई है सोचा नहीं था ये बात ये चीजें जो थी ना ये हमने बड़ा उस पर सफर किया था सुनो चंदा सीजन वन पे उसके बाद फिर हमने इसको कैरी नहीं किया था ओके वो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम था या तो फिर आप लाइट मोड में जो है ऑडियंस हमें थोड़ा दे फिर बाकी चीजें तो तो नहीं दिखा सकते उसने उसका हाथ पकड़ लिया ना हाँ। मेरा और सब चीजें आ जाएंगी हाँ। सब चीजें आई आई कैन अंडरस्टैंड तो वही चीजें तो फिर अब सीरियस मोड पे क्या लिख रही है मोस्ट प्रॉब्लम अगले साल आपका ड्रामा नहीं देखेंगे रमजान में नहीं देखेंगे इनशाला आप देख रहे हैं चैनल्स के ऊपर जो है आप देखेंगे एक थोड़ा जो मेरा एक स्टाइल है वो तब को कहीं ना कहीं नजर आएगा I want to, जब मेरी बात हुई ना तो उन्होंने हाँ। कहा मैं बस अगले साल नहीं लिख रही हूँ मैं, तो मैंने, मैंने मैंने आपको रोती धोती लड़की दूंगी रहा हाँ। ये आया ना, मैंने ये तुम भी जो लगी रहती है <laughs> रोती धोती बहुत ज्यादा मत रुलाइएगा हमें हंसाती रहे रेगुलर ड्रामों के थ्रू तो आप शेयर कर सकती है कौन से प्रोजेक्ट्स है जिनपे आप काम कर रहे हैं तीन हैं okay. जो बेचारे पिछले दो तीन सालों से हो चुके oh, okay. so, का का से से हैं ये होता है कि अभी ड्रामा खत्म हुआ ये मार्च अप्रैल है ना अप्रैल मई उसके बाद जून जुलाई आ जाता है मैं वे पे चली जाती हूँ जब मैं वापस आती हूँ तो फिर ये हम टीवी का अवार्ड शो होता है उसमें हम फिर बाहर निकल जाते हैं तो जब मैं वापस आती हूँ तो उसके बाद फिर टू टाइम नहीं होता तो इस दफ़ा मैंने ये सोचा है कि मैं स्ट्रेस फ्री जो है अपना नेक्स्ट रमजान जो है वो गुजारूंगी बैठ के मैं दूसरों के ड्रामास देखूंगी उन पर बात करूंगी <laughs> लेकिन रोती रोती लड़की आपको मेरे ड्रामाज में नहीं मिलेगी शुक्र मेरे शुक्र का सांस लिया है <laughs> तो अभी प्रोजेक्ट कौन से हैं जो आप शेयर कर सकें ताकि हम भी खुश होकर वेट करें। अभी एक जो है एम डी प्रोडक्शन के साथ है मेरा जो है अजान समी है उसमें और देखते हैं वो थोड़ा म्यूजिकल ड्रामा है नाइस oh, इंटरेस्टिंग nice, और जो है एक जो है वो मेरा थोड़ा लाइट मूड और सीरियस दोनों को लेके नीली कोठी के को नाम से है वो मोबाइल प्रोडक्शन से आएगा ओके okay. और एक सना के साथ है उसका नाम अभी फाइनलवा शाहनवाज के साथ अभी तो okay. इसका नाम फाइनल नहीं हुआ तो लेकिन ये होगा पता है क्या होता है राबिया मैंने सोचा है कि पूरे साल में एक ड्रामा जो मैं लिखती हूँ मैं इतने कम पैसे कमाती हूँ <laughs> आपने कहा बस बहुत हो गया जब इतना कुछ सुनने को मिल रहा है और इतनी वो तो मैं पैसे भी तो मैं तो वो मेरे साथ मेरी जो फ्रेंड्स है वो तीन तीन सीरियल्स करती हैं पूरे साल में मैं पूरे साल में एक ड्रामा करती हूँ

आई थिंक बड़ा बड़ी आप लोगों को सवाब मिलेगा हाँ सात हैं भैया आप लोगों को हमें हैं कि मौके देते हैं आई थिंक इट्स अ ग्रेट सर्विस जो आप लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं थैंक यू बट शुक्रिया बहुत बहुत आपका आपने टाइम दिया हमें uh -huh. और इतने अच्छे से डिस्कशन किया और मेरे सारे क्रिटिक्स uh क्रिटिसिजम -huh. <laughs> वाले सवालों को भी आपने सुना और उनका जवाब दिया बिकॉज मुझे होता है एक कॉन्वर्सेशन है uh -huh. ताकि हम भी आपकी बात समझ सकें uh -huh. और ऑडियंस को जो uh, जो उनके कंप्लेंट्स हैं उनकी भी पता चले नहीं भाई सब सुन रहे हैं देख रहे हैं और दर इज़ अ रीज़न जो हमने किया ये सब कुछ और एक और मैं भी मैसेज देना चाहती हूँ जो दिखने वाले हैं उनको कि ये प्लीज़ आप लोग ना मुझे ये ना कहा करें कि सीज़न्स जो है ना सीजन्स जो है वो हमारे यहाँ वर्क नहीं करते हमारे जो है पाकिस्तान में एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो कोई इतना अच्छा नहीं गया तो उसके बाद जो है जब आप बार बार कहते हैं आप पर प्यार भी बहुत आता है अभी तक जो है ना सोना चंदा सीजन थ्री की के लिए लोग कहते हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस कास्ट के साथ एक नई स्टोरी जो है वो कही वो मेरे लिए ज़्यादा मैं उसमें काम करने का मेरे लिए ज़्यादा मार्जन है।, है।, है तो कोई प्रोड्यूसर जो है वो विलिंग नहीं है मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रही हूँ ना वो सोनाचंदा का सीजन टू बनाना चाहते हैं ना वो चुपके चुपके का बनाना चाहते हैं ना वो हम तुम का बनाना चाहते हैं इश्क ले भी जो है उसका बन नहीं सकता क्योंकि कवि साहब जो है मुझे लेके उसके बाद चौधरी एंड अंडसान से उनका नहीं बन सकता तो इसलिए जो है ना बस आप आप लोग भी जो चीज़ें होती हैं उसको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाया करें और कंपैरिजन ना किया करें कि फ़लाँ ड्रामा जो है वो फ़लाँ जैसा नहीं है फ़लाँ फलाँ जैसा नहीं है क्योंकि हम फ़लाँ फ़लां जैसा लिखते ही नहीं है अगर हमने वही चीज़ लिखनी है वो तुम्हारे तो लिए बहुत आसान है ना सही बात है और नज़र भी आता है कि डिफरेंट है तभी हमें एहसास होता है कि ये डिफरेंट है और मुझे नहीं लगता कि आज सुनो चंदा आज के ज़माने में बनाया जाए तो वो वैसे कहीं होगा मैं आपको एक बार बताऊँ वो एक नई चीज़ थी ऑडियंस डिफरेंट थी चार साल और कोविड ने ऑडियंस को भी बहुत चेंज कर दिया है हम हम सब इवॉल्व कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं हालांकि मेरा भी दिल चाहता है मैं सुनो चंदा की बहुत बड़ी फैन हूँ लेकिन आई uh, अंडरस्टैंड आप क्या लेकिन किब मैं लिखूंगी ऐसा ड्रामा और मैं एहसन तालिश साहब के साथ करूँगी मेरी cool. एहसन भाई के साथ जो है कमिटमेंट mm -hmm. है मैंने उनसे कहा है कि एहसन भाई रोमांटिक सॉफ्ट रोमांटिक और इस तरह का ड्रामा बनाते हैं जैसे सुनो चंदा सुनो चंदा से मुराद ये है कि वैसा लाइटर मूड वाला ड्रोगा वैसे नहीं होगा बट डिफरेंट होगा तो वो मेरी और एहसन भाई की कमिटमेंट है हम मिल एक चीज़ करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए और एक मज़े की चीज़ आपको नजर आएगी क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा भाई जो है वो मेरी चीज़ों को बड़ा अच्छा समझते हैं और जो मेरे जहन में होता है वो वैसे ही इसको पोर्ट्रेट करते हैं अब लोग रमज़ान के अलावा भी जो लॉन्ग सीरियल सीरियल्स का जैसे अब आया कि वो फिफ्टी सिक्सटी अपिसोड की लॉन्ग सीरियल्स होती हैं उसमें भी तो ये नॉन रमजान टाइम पे निकाल सकते हैं बिल्कुल ऐसा है अभी मैंने ऐसा कुछ कर सकते हैं अभी ए को मैंने तीन एपिसोड्स का लिख के दिया था लेकिन जो है थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे कास्टिंग के तो वो दफ़ा ईद पे नहीं बन सका मे बी वो बड़ी ईद हो तो वो okay. मेरा लाइट मूड का थ्री एपिसोड्स का एक ड्रामा oh, है okay. जो मैंने आपको नज़र आएगा ए आर वाई और अभी एक मेरी टेलीफिल्म आपको नजर आएगी जियो पे okay. और एक आपको हम टी वी पर नज़र आएगी वो शायद ईद के बाद हो तो वो उसमें तो मैं अपने अपना जो स्टाइल है वो मैं नहीं खत्म करूँगी <laughs> <नहीं, नहीं, laughs> क्योंकि वो चीज़ें मेरी ना वो चीज़ें जो है ना लाइट मूड वाली चीज़ जो है वो मेरी सीरीज में भी कहीं ना कहीं आ जाती है मुझे जब मैं सीरीज ड्रामा लिख रही थी तो मुझे सायरा कहा करती थी कि यार तुम इच्छी खासी सीरीज सिचुएशन होती है उसमें एक ऐसा जुमला बोल देती हूँ खत्म हो, हो जाता है खत्म हो जाता है तो वो एक चीज मेरे अंदर है वो नहीं खत्म हो सकती अब जितनी भी कोशिश कर लें हालांकि आपको लिखना पसंद नहीं है इतना नहीं नहीं लिखना मुझे पसंद है लाइट नॉट कॉमेडी कॉमेडी नहीं लाइट हार्टेड हो और वैसा हो जैसा मैं सोचती हूँ की कास्टिंग भी वो जो मैं सोच रही होती हूँ ना कि कम अज कम उससे मिलती जुलती जरूर हो इतनी ऑपोजिट ना हो कि बैठ के मुझे छोटे छोटे हार्ट अटैक्स जो है वो होना शुरू हो जाए शुक्रिया बहुत बहुत आपके टाइम का और आपकी इतने खूबसूरत कैरेक्टर्स लिखने का वी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू इन शह नेक्स्ट किसी सीरियल में फिर आपसे बात होगी बिल्कुल हाँ। सीरियस वाले सीरियल हाँ। में। हाँ सीरियस वाले लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस हाँ। नहीं है ठीक है